लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। उनका हाथों का दो छुरी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। से करना होगा। बस आधे घंटे बाद ये फैक्ट्री उड़ जाएगी। ए, तुम अंदर नहीं जा सकते। ए, मुझे अरुण कान से मिलना है। टॉर्च। हाँ, रुको रुको। अरुण कान जी, एक बुरी खबर है। हमारे गांव के पास वाली फैक्ट्री को चार पांच लोग बॉम्ब से उड़ा जाते हैं। जल्दी चलिए। तुम बीच में टांग बता रहा। मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहां से चला जा। ए, ए, मैंने कहा रुक। इन लोगों ने अपनी गलती मान ली है, अब क्या करना है ये बताओ। दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसा पूरी पंचायत के सामने कह के माफी मांगे। हमने ये क्यों किया, किस लिए किया, बिना जाने मुजरिम की तरह व्यवहार मत करिए हमारे साथ। जानता हूँ, दो दिन पहले तालाब में पानी पीने गई 10 बकरियां मर गई, ये कहना चाहते हो ना। वो तो छोड़ो, ये देखो, पिछले साल उसी पानी की वजह से तुम्हारी बहन का पैर किसी काम का नहीं रहा। अस्पताल वालों को इस बात की जानकारी दी थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब इसकी शादी कैसे करोगे, यही समस्या है। देखो,
फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी तालाब में ना जाए, इसका एक ही रास्ता था, फैक्ट्री को बम से उड़ा देना। तुमने गलती की है। इन लोगों की कोई गलती नहीं है। कौन बोला? मैंने कहा पहले ही इस फैक्ट्री की वजह से एक तालाब खराब हो चुका है और अब जो दूसरा तालाब है वो भी जहरीला हो गया है। हमने हड़ताल भी की, सरकार को पेटिशन भी दी, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। तुम्हारी बात एकदम सही है। हाँ, इसलिए जो किया सही किया। कॉलेज में जाके पढ़ती हो, सोचा था तुम में दिमाग होगा, पर तुम तो बेवकूफ निकली। अगर फैक्ट्री को उड़ा दिया तो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारा पूरा का पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा, एक भी इंसान नहीं बच पाएगा। और इंसान क्या, भेड़ बकरी सारे के सारे मारे जाएंगे। चलेगा? केमिकल फैक्ट्री उड़ेगी तो 25 किलोमीटर तक कोई नहीं बचेगा। तुम्हारी बात भी सही है बेटा। ओए, क्या सही कह रहे हो, सही कह रहे हो लगा रखा है, खुद भी कुछ बोलोगे या नहीं? अरे इसे सरपंच किसने बनाया? कैसी बात कर रहे हो तुम, मैं भी बार बार सारे अधिकारियों से मिलकर इनके खिलाफ कंप्लेंट देता रहा हूँ। अधिकारियों से मिलकर बात करके कोई फायदा नहीं, इस एरिया के मिनिस्टर कांतिलाल हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ऐसा उन्होंने कहा था और हमने उन्हें जितवा दिया। उनसे बात करने कोई नहीं गया। उनसे बात करने को कह रहे हो ना, तो तुम ही जाकर बात क्यों नहीं करते हो उनसे? मैं नहीं जा सकता, यहाँ पर बहुत काम है ना। काम वाम कुछ नहीं है, बस फालतू बहाने हैं। ये क्या बात करेगा, इसमें दम तो होना चाहिए बात करने के लिए। पांचवी तक पढ़ा है और बात कर रहा है ग्रेजुएट जैसे। तुम किससे बात कर रही हो? ये शेर है शेर। मेरा बेटा पढ़ा लिखा कम है लेकिन दिल का बड़ा है। एक दिन मौका मिला तो पूरा दुनिया घूम के दिखा देगा। हाँ हाँ हाँ, पता है पता है। कुछ नहीं पता, थोड़ा पढ़ लिख क्या लिया, बहुत भाव खाने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी पोती को कम मत समझना, मेरी पोती समझदार है, वो तो मिनिस्टर से मिलने के लिए तैयार है। दादी माँ, क्या इस बहाने तुम भी घूमना चाहती हो? तुम चुप रहो ईश्वरी, हम क्या इस गांव का भला नहीं चाहते? सुनो बेटा, ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, कोई काम के नहीं है। तुम वहाँ जाओगे तो बात तो करके आओगे। दीदी ने सही कहा, अरुण कांत को वहाँ बात करने के लिए जाना चाहिए, सही बात है ना भाई? बात भी सही है। गाँव की समस्या है ना, दो तीन लोग साथ में मिलकर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। चलो फिर तैयारी करो, हम सब मिलकर चलते हैं। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। हाँ भाई, गाँव की समस्या का हल निकालने के लिए ईश्वरी पिटीशन बनाकर लाई है, ऊपर वाले का नाम लेकर हम सब दस्तखत करेंगे, सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। बेटा ईश्वरी तुम दस्तखत करो। अरुण बेटा चलो तुम भी दस्तखत करो। हाँ, मैं तो कभी भी दस्तखत कर दूंगा। टीचर जी आप आइए। आइए गुरु जी, आप भी दस्तखत कीजिए। आप कहते हैं तो मैं भी कर देता हूँ। यहाँ पर अंगूठा लगा, जल्दी जल्दी। हाँ करो करो। दस्तखत करो, चलो सिर्फ तुम ही बच्चे हो, जल्दी करो। क्या मुसीबत है। क्यों दस्तखत पहाड़ चढ़ रहा है? ईश्वरी, वकील यहाँ आके टिकट क्यों मांग रहा है? हर काला कोट वाला वकील नहीं होता है। यहाँ कर बैठ, फालतू बातें करके बेइज्जत। टिकट दीजिए। मोटी प्यारी ईश्वरी कौन है? वो मेरी दादी का नाम है। दादी की उम्र 20 है, कोई और भी मोटी प्यारी है? मेरी दादी का नाम ही मेरा नाम ये है। ये क्या, इसका पूरा नाम सुना? हाँ हाँ। अरे रे 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 रे, मुझे तो पता ही नहीं था। मोटी प्यारी, मोटी प्यारी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम चुप रहो। अरे भाई झगड़ा बाद में करना। तुम अरुण कांत हो, तुम्हारा टिकट कंफर्म है, आप लोगों का कंफर्म नहीं है, अगले स्टेशन पे उतर के जनरल में बैठे। व्हाट व्हाट, क्या आपकी टिकट कंफर्म नहीं है? व्हाट यू थिंक, हाउ कुड यू से दैट, आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम नॉट अनएजुकेटेड लाइक हिम। तुम मुझे बीच में क्यों घसीट रही हो? कीप क्वाइट, आई विल गो टू द सदर्न रेलवे हाई कोर्ट, यू डोंट नो व्हाट आई कैन डू। एक मिनट रुकिए रुकिए। हाँ। अगले स्टेशन पर तुम्हें धक्के मारकर उतराऊंगा। इंग्लिश? क्या हंस रहे हो? हंसते हंसते कट जाए रस्ते, मैं सेटिंग करता हूँ ना। अरे टीटी साहब, क्या अगले स्टेशन पर मैटर सॉल्व कर। क्वार्टर? क्वार्टर? हाँ? सिग्नल पे गाड़ी रुकेगी, वहीं सब कुछ आप मिलेगा। कौन सा ब्रांड लेते हैं? मेरा ब्रांड स्पेशल है। वो टीटी साहब, वो प्यारी मोटी की टिकट कंफर्म। बात कैसे कर रही थी? सिर्फ वही इंग्लिश जानती है क्या? उसे पता है मैं कितनी भाषाएं जानता हूँ? कितनी भाषा सर? खुद नहीं जानता। अरे सर सर, वो लड़की दिमाग से थोड़ी कम है, इलाज के लिए लेके जा रहा हूँ, आपकी मदद मिल जाएगी तो। पागल है, तो बताना चाहिए था ना। टिकट कंफर्म हो जाए तो। अरे कैसी बातें कर रहे हो, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। जगह पे बैठो, मैं आता हूँ, ठीक है? शुक्रिया।
टिकट कंफर्म समझो। तुमने क्या किया बेटा? सिर्फ पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता है, एक अनपढ़ भी अपना दिमाग चलाए तो काम बना सकता है। बस थोड़ा सा दिमाग चलाए और टिकट कंफर्म। अरे वाह बेटा, तू तो कमाल का है। दादी यही बात इस बंदरिया को समझाओ, बंदरिया को। चुप कर, चुप। अरे बस करो नहीं। क्या हो गया? सुनो भाई, सिग्नल गिर गया, गाड़ी रुकेगी यहाँ पे, एक घंटे से पहले चलने वाली नहीं है। नीचे उतरो, चलो, इसके बाद खाना नहीं मिलेगा। दादी जल्दी उतरो, भूख लग रही है, क्या कर रही हो? ए, हटो। अरे नहीं भाई, तुम तो बहुत दुखी हो। मैं दुखी? अरे बेचारी उस पागल की सेवा कर रहे हो। इधर मजा आ गया। तुम में इतना दम है क्या? शर्म आनी चाहिए तुझे। उनके साथ पंजा लड़ा जाओ। हेलो, ओ इधर आ। नहीं नहीं भाई साहब, अभी हम लोग बिजी हैं। आप लोग अपने काम में लगे रहो। अरे इधर आ। ठीक है आता हूँ, आप चालू रखो। क्या हुआ? कुछ काम है क्या? आजा यार, पंजा लड़ा दे। तुमसे कह रहा है, जाओ पंजा लड़ाओ। रुको, वो मुझसे नहीं तुमसे कह रहा है। हिम्मत है तो पंजा लड़ाओ। हिम्मत की बात मत करना, किससे बात करी बता ना। उससे की बात कर रहा है, मुझसे बात कर। फंस गए ना, इसने तुमसे कुछ मीठी बातें कही और तुम्हें फंसाया है ना। पाजी जरा हटेंगे। आराम से पाजी। चलिए सिंह जी, हरा दीजिए से। ये तोड़ दे दुश्मन की नली। जय जय बजरंग बली। तोड़ दे दुश्मन की नली जल्दी। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अरे बुरा मत मानिए, ये तो खेल था। तूफानों से मैं टकराऊं आसमां को, मैं चुका दूं शेरा शेरा। देवा बन के टाइगर बन के आता हूं मैं, सिंघम बन के शेरा शेरा। बन के हीरा बन के जुर्म हटाऊं मैं, शोला बन के ज्वाला बन के पाप जला दूं मैं। शेरा बन के हीरा बन के जुर्म हटाऊं मैं, शोला बन के ज्वाला बन के पाप जला दूं मैं। अरे मेरे जैसा यहाँ है कोई ना। शेरा 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 ओ शेरा, तूफानों से मैं टकराऊं आसमां को, मैं झुका दूं शेरा। देवा बन के टाइगर बन के आता हूं मैं, सिंघम बन के शेरा। खतरों से डरता ना, हटता ना पीछे मैं, हारी बाजी भी जीत लेता मैं। शोलों पे चलता मैं, मौत से लड़ता मैं, दूजों के लिए ही जीता हूँ मैं। सारे ही शहर में मैं दिलवाला मशहूर, राज यहाँ है मेरा। झूठ और फरेब से रहता हूँ मैं दूर, सेवा सबकी करना है लक्ष्य मेरा। और मेरे जैसा यहाँ है कोई ना। शेरा शेरा ओ शेरा, तूफानों से मैं टकराऊं आसमां को, मैं झुका दूं शेरा। देवा बन के टाइगर बन के आता हूं मैं, सिंघम बन के शेरा।
बदले ना फैसला, कहते हैं सब मुझको हिम्मत वाला। सिंघम सा लड़ता मैं, बाज सा उड़ता मैं, बढ़ता हूँ आगे मैं वीरो जैसा। जो भी पुकारे मुझे आऊं उसके काम, कभी ना हूँ मैं झुकता। आधी या तूफान आए डरना लागे मुझको, रुकता ना हूँ मैं कभी चाहे जाए जान। हर मेरे जैसा यहाँ है कोई ना। शेरा 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 ओ शेरा, तूफानों से मैं टकराऊं आसमां को मैं झुका दूं। शेरा देवा बनके टाइगर बनके आता हूँ मैं, सिंघम बनके शेरा। शेरा बनके हीरा बनके जुर्म हटाऊं मैं, शोला बनके ज्वाला बनके पाप जला दूं मैं। अरे मेरे जैसा यहाँ है कोई ना। शेरा 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 ओ शेरा, दादी हम कहाँ पे ठहरेंगे? तीन रास्ता चौक पर नारायण का घर है, वहीं ठहरेंगे। क्यों, हमारा वहाँ रुकना जरूरी है क्या? चिंता क्यों करती हो, हम वहाँ रहने थोड़े ना जा रहे हैं, बस काम खत्म होते ही निकल जाएंगे। आइए साहब, कहाँ जाना है? तीन रास्ता चौक जाना है, आइए बैठिए। ए खिड़की की सीट मेरी। ओहो, ऑटो में खिड़की की सीट नहीं होती है। यही कहीं है, जरा धीरे चलाना। आ, 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 मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। ए, क्या तमाशा देख रहा है? चल ऑटो आगे ले, चल चल जल्दी निकल। नहीं मत मारो मुझे छोड़। मेरी दीदी के बारे में पेपर में लिखा तूने? इसी हाथ से लिखा था ना? अरे भाई ये क्या था? ये बहुत ही खतरनाक जगह है सर, इस एरिया में बाहर के लोग आने से बहुत डरते हैं। ये स्वर्णा दीदी के भाई लोग हैं, इसे तो जेल में बंद करके रखना चाहिए। चुपला छोड़ो या बंद रखो क्या फर्क पड़ता है? हाँ बस बस यहीं रोक दो। ₹100 दीजिए। इतना टाइम लगाओगे? और नहीं तो क्या? रसीद नहीं दोगे? रसीद क्या? रसीद कैसा? गांव वालों का पैसा है, हमें जवाब देना पड़ता है। ट्रेन वाले रसीद देते हैं, ऑटो वाला होके रसीद नहीं देगा क्या? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, ऐसा है अपना प्यार। मेरे दोस्त कैसा है तू? अरे मोटी ईश्वरी को भी तू यहाँ पर उठा कर लेके आया, ये तो कमाल हो गया। जो इंडिया पाकिस्तान की तरह लड़ते रहते थे आज साथ में दिखाई दे रहे। प्यार किया तो किया लेकिन भगा कर लाने की क्या जरूरत थी तुझे? अब क्या करे, आज तो रजिस्ट्रार ऑफिस की छुट्टी है यार। इसे मैं नहीं लेकर आया हूँ यार। अरे इतना बात करते ना, क्या बात? उसके पीछे जो है वो रावण की बहन ही है ना। अरे पापी, तू दादी को भी यहाँ पर उठा कर ले आया क्या? क्या बड़बड़ाया जा रहा है? गांव की समस्या हल करने के लिए मिनिस्टर से मिलने आए हैं। मिनिस्टर से मिलाने लाया है, उन्हें मिनिस्टर बनाने आया है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हाय मोटेश्वरी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अभी भी दो इडली में एक लीटर सांभर डालकर पीने की आदत गई नहीं क्या? मेरे हाथ से मार। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ए जल्दी से इन पोटलियों को भी अंदर डाल दो। नहीं मैं सामान अंदर डालने की बात कर रहा था। देख लूंगी। तुम्हारे दादा जब मरे थे उनके तकिए के नीचे से ₹1 निकाल के बीड़ी पीते थे तुम। अरे मेरे एरिया में मेरी बेइज्जती मत कीजिए, थोड़ी सी तंगी थी इसलिए मुश्किल हो गई। तुम वही नरेन स्वामी हो ना? नो नो नो, बिल्कुल सही, ये वही है। माय नेम इज नरेन। अरे चुप कर नरेन,
पहले काले कौवे जैसा दिखता था तो अच्छा था, अभी गोरा हाँ। होके बेकार लग रहा है बिल्कुल। हाँ हाँ, एक स्टेशन पर उतरा था, वहाँ एक फिरंगी ने पान खाकर मुझ पर थूक दिया, इसलिए मैं गोरा हो गया। ये तो तेरी बेइज्जती कर गई। क्या करे, रिसेप्शन में ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। चल अपनी फैक्ट्री में चलकर बात करते हैं। यू फॉलो मी ना। हाय, नमस्ते भाई साहब। ये मेरा स्टाफ है, ये मेरा फ्रेंड है, शहर से आया है, ये सीनियर स्टाफ है। और बताओ सब कैसा चल रहा है? बस तेरी दुआ से छोटा मोटा काम कर रहा हूँ। और सरकारी नौकरी? अरे सरकारी नौकरी में मजा नहीं रहा है, बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, अचानक काम पे बुलाते हैं तो कभी स्ट्राइक करवाते हैं, ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए गवर्नमेंट को साइड में करके यहाँ ग्राइंडिंग मशीन डालकर छोटा मोटा काम करके गुजारा कर रहा हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ का सारा काम यही लोग संभालते हैं। बस मनीषा कोराला तंग कर रही है। अरे तो उसकी सर्विसिंग करवा देना। मनीषा कोराला की सर्विसिंग? अरे इतना परेशान क्यों हो रहा है? ये मनीषा कोयराला 3 लीटर की आटा मशीन है, मैंने यहाँ के हर साइज की मशीन का अलग अलग से नाम रखा हुआ है। ये 2 लीटर काजल है, ये 1.5 लीटर ऐश्वर्या है, और जो पीछे चल रही है ना वो शिल्पा शेट्टी है। तभी तो लड़के प्यार से और अच्छे से काम करते हैं यहाँ पर। सही है ना? यार हाँ, तुम सबको इस महीने की पगार मिल गई है ना? साहब थोड़ा पगार बढ़ा दीजिए ना। पगार टाइम पे दूंगा लेकिन बढ़ा के कभी नहीं दूंगा। यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ मिल जाती है, देखा यार कितनी चालू लड़कियाँ है, कैसे उल्लू बना रही है। तुम्हें मिनिस्टर से नहीं मिलना है क्या? हम कब से तैयार बैठे हैं और तुम हो? लड़की को तैयार होने में 2 घंटे लगते हैं और लड़के को तैयार होने में 2 मिनट। अभी आता हूँ। बाथरूम में मुमताज है, अच्छे से नहा लीजिए। क्या मुमताज? नहीं यार, हीटर को मैंने मुमताज नाम दिया है, तभी तो लड़के रोज नहाकर आते हैं। अभी नहा के आता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे तुम यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हारी राह देख रहा था, ऊपर आना चाहिए ना। कोई बात नहीं सर, पिताजी की तरह ही वही लक्षण है। सर नदी की समस्या के लिए आप दिल्ली जा रहे हैं, क्या हम भरोसा कर सकते हैं कि इस बार ये समस्या हल होगी? भरोसा कीजिए। कितना लूटते हो तुम लोग। आने वाले स्टेट असेंबली बाई इलेक्शन में आप अपनी पार्टी की तरफ से अखिल को उम्मीदवार के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए अखिल की ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, ये सच है सर? केपी धीर जी के बारे में तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते ही हैं, वो निस्वार्थ थे, मेहनती थे, जनता की सेवा में तत्पर थे। उनके स्वर्गवास के कारण आने वाले बाई इलेक्शन में उनकी राह पर चलने वाला उनका बेटा अखिल खड़ा होगा तो इस देश और विधानसभा के लिए अच्छा होगा। अरे भाई मंत्री जी हैं क्या? हम उनसे यहाँ पर मिलने आए हैं। आप मंत्री जी के इलाके से हैं? हाँ हाँ, जल्दी जाइए, वो निकलने वाले हैं दिल्ली। चलता हूँ अखिल। ठीक है सर, चलता हूँ। मंत्री जी, एक मिनट। मंत्री जी, मंत्री जी, अरे मंत्री जी से मिलना है। मंत्री जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ 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 जल्दी। अच्छा अच्छा, नमस्ते। हम ठाकुर नगर से आए, तालाब का पानी गंदा हो गया, उस सिलसिले में बात करनी थी। अच्छा अच्छा, वो फैक्ट्री की वजह से साहब। मुझे जरा दिल्ली जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पीए के पास आप डिटेल्स दे दीजिए, मैं 4 दिन में वापस आ जाऊंगा और पहले आपका काम करूंगा। वो क्या है वो देखो और आने के बाद मुझे याद करना। ठीक है साहब जी, चलता हूँ। बहन चलता, चिंता मत करना, काम हो जाएगा। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी। मिनिस्टर को मिलने से पहले उनका क्या प्रोग्राम है ये पता लगाना चाहिए था। मुझे क्या कोई सपना आना था? 4 दिन की तो बात है, वो आ जाएंगे। अरुण कांत, हम तो यहाँ आ गए, अब तो मारवा बीच घूमने के बाद ही घर जाएंगे। बीच पर जाना है? बीच बीच कुछ नहीं, सीधे घर चलो। अरे अरे ऐसा क्यों, हम यहाँ आए हैं ना तो हम घूमेंगे। जाओ जाओ, आज बुधवार है, बीच बंद होता है, तुम दोनों बाहर से देख कर आ जाना। आज बीच की छुट्टी है दादी। दादी बीच की कभी छुट्टी होती है? ये तो पागल है, हम चलते हैं। संभल कर जाना। हाँ हाँ चले जाएंगे। पता ना इलाका कितना खतरनाक है। उठो, उठो साहब आए, उठो। ओ, आधा हाथ काट लिया, जय श्री कृष्ण। अरे सुनो, कितनी नाइंसाफी हुई है इसके साथ। जी सर। अभी सब ठीक है ना? ठीक है सर। कल डिस्चार्ज कब जाएगा? उसके साथ क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं सर। इनका स्टेटमेंट लो, चलो। किसने काटा? किसी ने भी नहीं काटा। किसी ने भी नहीं? जी। तो फिर हाथ कैसे कटा तुम्हारा? लॉरी से टकरा गया। लॉरी से टकरा गए? उन लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर तेरा हाथ काटा,
और बोलता है लॉरी से टकरा गया, मुझे मेंटल। जय श्री कृष्ण। हम दोनों मेंटल है क्या? निकालो बुक, निकालो। ये तेरी रिपोर्ट ना? हाँ सर। इसे तूने ही छापा था ना? जी सर। इसी वजह से गुंडों ने तेरा हाथ काटा ना? नहीं सर, लॉरी। फिर लॉरी। जय श्री कृष्ण। हिम्मत रखो, डरने की जरूरत नहीं है। बोलो। हाथ कट जाए तो भी जी सकते हैं, लेकिन जान चली गई तो पत्नी और बच्चों को गुजारा कौन करेगा? डरपोक, सबके सब डरपोक है। किसी एक की गवाही मिल जाए उसे उठाकर अंदर कर दूंगा मैं, लेकिन ऐसे लोगों का क्या करूं मैं? ए, लिखते समय कहां से हिम्मत आ गई थी? दारू पी रखी थी क्या? ए डॉक्टर, इसे इंजेक्शन देके मार क्यों नहीं दिया? मर्द के रूप में औरत है तो चूड़ियां पहन लेनी चाहिए इन्हें। अरे ये क्या किया, फूल का गमला तोड़ दिया, देख नहीं सकते क्या? आई एम सॉरी श्रीदेवी। बॉस। यस। इस गुलाबी को रख लीजिए। नो, मैं सपना से प्यार करता हूं। गुलाबी फूल है बॉस। बॉस, आप सपना को गुलाबी दे दीजिए। हम जिसे प्यार करते हैं उसे रोज देते हैं ना, और जो लड़की पड़ जाती है उसके लिए मस्त पार्टी करना चाहिए। आज चाहे कुछ भी हो जाए, उस लड़की सपना को अपने दिल की बात कह कर ही आना बॉस। ए कॉमेडी गाय, देख मेरा रोमांटिक टाइम अभी। वो देखो सपना आ गई। मेरी दिल की सारी बातें मैं आपसे। मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। वन सेकेंड। इसका हाथ भी बिजी है, मुंह भी बिजी है, अब मैं क्या करूं? एक काम करते हैं, स्टैंड पे लगा देता हूँ। यहाँ कहाँ बस देखते रहो। अबाउट टर्न, अबाउट टर्न। आहा क्या बात है, क्या मस्त स्टैंड है। यहाँ लगाऊ, यहाँ। अब वो मैं क्या बात है यार, पूरी एमटीवी की चैनल है। आपका बैच गिर गया था, ये लीजिए, रखिए। सॉरी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। इफ यू डोंट माइंड, आप ही लगा दीजिए ना। हाँ, लगा दूंगा ना। यहाँ। अच्छा यहाँ। प्लीज। कैसे लगा रहा है बॉस? देखो वहाँ, आपकी जगह पर वो लगा रहा है। क्या करूँ? क्या हुआ? लगी क्या? ऐसे ही। मैं तो डर गया। थैंक यू। ये क्या? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। यार मैं लूट लिया घर यार क्या? पर आबरू कर तेरे कुछ ऐसा निकले। चौके 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 अलके सीनी खोले साला। चौके 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 ओंगेले सीनी गोले साला। चौके चौके शेक 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 है तेरे मस्त ये जलवे, अदा है तेरी ये हटके, चली तू दिल को लेके। सोने हैं तेरे नखरे, मारे तू ऐसे ठुमके, लगे हैं दिल को झटके। कुड़ी पटाका कुड़ी पटाका कुड़ी पटाका है, दिल दीवाना दिल दीवाना दिल दीवाना है। तेरे मस्त ये जलवे, अदा है तेरी ये हटके, जल्दी तू दिल को लेके। सोने हैं तेरे नखरे, मारे तू ऐसे ठुमके, लगे हैं दिल को झटके।
प्यारी है रानी तू, हुस्न का तू ताज महल, तेरे जैसा ना कोई है, शायर की है तू गजल, देखे तुझे जो भी कोई दीवाना तेरा, तू सुंदर है बड़ी ही हसी है, अरे तेरे जैसा ना कोई है इस जहां में। कुड़ी पटाका कुड़ी पटाका कुड़ी पटाका है, दिल दीवाना दिल दीवाना दिल दीवाना है, तेरे मस्त ये जलवे, अदा है तेरी ये हटके, जल्दी तू दिल को लेके। हुस्न की है फुलझड़ी तू, हर गली में तेरे पीछे आशिकों की टोली पड़ी, चर्चे हैं दुनिया में तेरे रूप का, ये कातिल अदा तू है सबसे जुदा, ये तेरा नशा तेरा असर ऐसा छाया रे। कुड़ी पटाका कुड़ी पटाका है, दिल दीवाना दिल दीवाना दिल दीवाना है, तेरे मस्त ये जलवे, अदा है तेरी ये हटके, जल्दी तू दिल को लेके। सोने हैं तेरे नखरे, मारे तू ऐसे ठुमके, लगे हैं दिल को झटके। कुड़ी पटाका कुड़ी पटाका है, दिल दीवाना दिल दीवाना है, कुड़ी पटाका कुड़ी पटाका है, दिल दीवाना दिल दीवाना दिल दीवाना है। मणि दादी 11 बज चुके हैं, एक दिन में पूरा शहर कैसे देखेंगे और आप होंगे? अरे सब ठीक है, अब तो ताजमहल देखकर ही घर जाएंगे हम लोग। ताजमहल आगरा में है, यहाँ कैसे ले आऊँ मैं, चलो। नहीं नहीं छोड़ूंगा मैं, ये देखो यहाँ तो कुत्ता भी चादर ओढ़ के सोता है। ये कुत्ता नहीं चूहा है, दोनों एक ही है। ए दादी आई है, चल दरवाजा खोल। अरे मैं आ रहा हूँ ना। कौन है? मेरी दादी है यार, दरवाजा खटखटा रही है, क्या करूं? दरवाजा खटखटाए या कुछ और खटखटाए, तू चुपचाप सो जा। अरे जल्दी दरवाजा खोलना। अरे फिर से खटखटाया। साले तूने बहुत ज्यादा पी ली है ना, इसलिए तुझे अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही है। बस मैंने ब्रांडी पी थी। अबे वो ब्रांडी नहीं, एसिड है संडास की। मैंने तोड़ दो। दादी उन्हें आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी, सब पीकर सोए पड़े हैं। दादी अंदर से बंद नहीं है। अरे तो अब क्या करें, इसको हटा पहले। एक दो तीन। में भी क्या कर रहे हो तुम, सोने भी नहीं देते हैं। आओ ना। चल हाँ हाँ चलो अंदर चलो। सो जाओ। डोंट टच। अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है, बीच में ही सब सो गए। अरे दादी के पैर छूने से कुछ नहीं होगा, सो जा। पैर है या थोड़ा सुजा डाला हुई माँ, बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ो मुझे। बर्तन नीचे फेंक कर बिल्ली की तरह सो रही है, और सोते वक्त भी शक्ल देखो कैसी बनाई हुई है, सड़ी हुई। मुझे हो तो नथू लाल जैसी हूँ वरना ना हूँ। अरे वो कितनी प्यारी लग रही है, छोटा सा काला टीका लगा दिया। ए, अब तुझे किसी की नजर नहीं लगेगी। अरे बाप
दादी कहाँ है दादी? अरे क्या दादी, हो गया तुझे आधी रात को? कुछ नहीं भाई, मुझे अजीब सा लग रहा है। अच्छा, किचन में जाके कुछ खा ले, अच्छा लगेगा। अच्छा खा लूँ, खाने से अच्छा लगेगा? चलो ठीक है, खा लेता हूँ। बिरयानी, भाजी, मुर्गा, मटन। अरे बाप रे, मूछ वाली भूतनी, मूछ वाली भूतनी। ए, वो चिल्ला क्यों रहा था? बोलो ना। अरे दादी उठो, रात होते ही पीने लग जाते हो और सुबह उठते ही चिल्लाने लग जाते हो। पागल हो क्या तुम लोग? मूछो वाली, ये तेरा हाल क्या हो गया? चुप रहो। अबे मिट्टी का तेल लगाने से औरतों को मूछे आती है क्या? अरे मिट्टी का तेल तो मैं भी लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे तो मूछे नहीं आ रही है। दादी मर गई क्या? देख तो जरा। देखता हूँ। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, ये मुझे तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। आइंदा से दाढ़ी भी रखोगी तो और ज्यादा अच्छी लगोगी। नहीं पकड़ पाओगी। अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कपड़ी 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 आ जाओ। परेशान करके रख दिया तुमने, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। देख यार मुच्छर लड़की, ए मुझ बना लिया तो क्या टकराएगी? मुझसे टकराएगी? टकराएगी मुझसे? अरे भाई गलती से धक्का लग गया, हम मस्ती कर रहे थे, सॉरी। आना टकराना, ए आना आना, ए आना। मैंने कहा ना गलती हुई, चलो निकलो। ए तू इस मोहल्ले में नया है क्या? ए अरुण, अरुण, ए हाथ हटा, हाथ हटा, ये मेरा दोस्त है भाई। किससे पंगा ले रहा है तू? भाई चला, भाई इसे माफ कर दीजिए। तुझे मैं, भाई इससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए इसे। कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं भाई, थोड़ा सा बस। वो सब छोड़ जल्दी आ। तूने नरेन समझा देना इसको कि मैं कौन हूं। मैं इसे समझा दूंगा, आप जाइए ना। ए चलना, अरे चलना, क्या छोड़। अरे वहां क्या देख रहा है, चल। वहां क्या गड़बड़ कर रहा था? अरे कुछ नहीं भाई, टाइम पास कर रहा था। अरे ऐसे घूर मत, तूने जानता नहीं है। वो इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा था और तुम उसके सामने माफी मांग रहे थे। उसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। चुप रहोगी क्या? क्या तुम्हें पता है वो कौन है? कौन है? वो स्वर्णा दीदी का भाई है। स्वर्णा दीदी? अब ये कौन है? हमारी बात ध्यान से सुनो, तुम इलेक्शन में खड़े मत होना। मिनिस्टर चाहे कुछ भी बोले, लेकिन तुम इलेक्शन में बिल्कुल खड़े मत होना। ए आदि, मैं तेरे बारे में अच्छे से जानता हूँ, अगर कुछ किया तो पुलिस में कंप्लेन करूंगा। अरे पुलिस में क्यों जाएगा, तुझे पैसा चाहिए ना? बोल कितना चाहिए, मैं दूंगा तुझे जितना चाहिए होगा, बोल। मुझे धमकी दे रहा है? ए अरे तू बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? समझता क्यों नहीं है? ए, हाथ मत लगाना, अपनी गुंडागर्दी जाकर के गली में दिखाना लोगों को। क्या सुनता है, बात नहीं सुनेगा मेरी? चल चल उठ, चला मेरे साथ, चल चल बैठ बैठ बैठ, यहाँ मेरी बात नहीं सुनेगा? हाँ शाया बंदी करेगा मेरे साथ? हाँ बहुत चढ़ी है तेरे को? हाँ मिनिस्टर के बात में आकर तो इलेक्शन लड़ेगा? हाँ नेता बनेगा, नेता बनेगा? हाँ अभी भी वक्त है, छोड़ दे ये सब। चल बोल, चल बोल, बोल, चल बोल, बोल। मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लड़ूंगा बोलता है कि नहीं? चल बोल, चल बोल। Huh? 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94.
मुझे वो चाहिए। कौन वो? वो तो मिल जाएगा। पर कैसे? सिंपल, अच्छी इंग्लिश बोलने वाली लड़की से शादी करना उसका तो एम्बिशन है। हाँ? तुम जरा जाके उससे इंग्लिश में बात करो ना। यस यस थैंक्स यस यस। ए मोटी, उसे पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाकर, दोनों को राजा रानी बताकर, मुझे जोकर बनाकर मेरी जिंदगी तबाह कर दी तूने। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुण कान से इंग्लिश में बात करने के लिए भेजा है उसे। अब उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। फिर तुम सब लोग देखते रहना। ओ, वो इंग्लिश में कमजोर है यार। आहा, ये खुशखबरी सुनकर मेरा पेट भर गया, मेरा पेट भर गया। देखा मेरा कमाल? दूध पीने से कुछ नहीं होता, एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाय। हाय। आई एम सपना। आई एम अ मॉडल। व्हाट्स योर नेम डियर? ये क्या कह रही है? उसका नाम सपना है और वो एक मॉडल है। अरुण कांत। अरुण कांत, सिक्स पैक वाला। आई लाइक इट। ये क्या, उसे इंग्लिश नहीं आती कह रही थी? वो तो फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है। मैं क्या जोकर हूँ? हाँ, यू एक्सरसाइज एवरी डे। देखो तो। हाँ, व्हाट इज दिस? डोले। रियली? हाँ, डोले शोले। डोले शोले, डोले दिखा रहा है। If I exercise every day, even I'll get muscles like this. कहाँ गया? बहुत अकड़ रहा था ना? Six pack. Can I come tomorrow for exercise? I also want this. Kashmir. 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 Beautiful Kashmir. Kanyakumari. Beautiful Kanyakumari. देखा, अंग्रेजी बोलने से फंस गया। वो अंग्रेजी में कमजोर है लेकिन बॉडी में कितना फिट है, फंसेगा नहीं देखना। वो सिक्स पैक वाला है तो मैं 100 pack वाला हूँ। तूने मुझे बगैर शर्ट के देखा नहीं। बॉस, गलत फैसला मत कर लेना। फैसला क्या होगा ये कल ही पता चलेगा। अरे आप इतना वजन कैसे उठा लेते हैं? आराम से। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, पहले मैं तो टन के हिसाब से उठाता था, अब किलो पे आ गया हूँ, क्या करें। ओह वाओ, सुपर्ब, ये आप ही हैं क्या? या इट्स मी। इट वाज 2 years back, मिस्टर मुंबई, मिस्टर बिहार, ऐसे बहुत से टाइटल मिले हैं। मुंबई सिटी में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, सारे गुंडे मेरे नाम से कतराते हैं। ये आज क्या बनाया? संडे का सूप। ये तो मेरा फेवरेट है। और वो कौन है? वो आदमी क्या, वो तो मेरा स्टूडेंट जॉनी है, आजकल अपना जिम खोल के लाखों में खेल रहा है। अरे अरे, ये सब बीच में किसने डाला है? उठाओ यहाँ से। रात में इतना दारू पी के सोता है और सुबह उठ के बॉडी बनाएगा, क्या बॉडी बनेगी तेरी? चल आया बड़ा बॉडी बनाने वाला। She's my old student, इसलिए आज भी उनके हाथों में बहुत दम है। आप भी मुझसे एक्सरसाइज सीखना चाहेंगी क्या? Sorry, मुझे सिंगल पैक नहीं चाहिए, मैं सिक्स पैक वाले से सीखूंगी। बाय। सिक्स पैक। क्या हुआ बॉस, तोते उड़ गए? इस रावण की बहन ने मेरे प्यार को तबाह करके रख दिया। कौन है ये? मेरी बेटी को उसका नारा कौन निकाल के ले गया? सिक्स पैक, सिक्स पैक। कहाँ है वो? यहाँ पर नहीं है। ओ, बच गया। इधर। What are you doing? वो मेरा 1 rupee का सिक्का गिर गया था। What 1 rupee? What? You told me you will walk out with me. See, I'm ready. But you're not ready. बेटा। What? बेटा, बेटा, बेटा। You're coming or not? Huh? Tell me. सुनो। इसे English English नहीं आती है। हाँ? ये गवार है, इसे इंग्लिश नहीं आती, बस 5वीं तक पढ़ा है। देखा ना बॉस, कल तो कश्मीर से कन्याकुमारी बोलकर निकल गया था, आज क्या करेगा? सिक्किम, भूटान, मणिपुर, आज इन नामों के गुण गाएगा। थैंक यू ईशा। ये बात तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताई? वो मेरी बेइज्जती हो जाती इसलिए नहीं बताया। वो क्या है ना, मैं भी आपकी तरह इंग्लिश में बात करना चाहता था, लेकिन मेरा सपना 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 ही रह गया।
जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था। तू सिर्फ थर्ड स्टैंडर्ड तक ही पढ़ा है? ये कौन बोला? मैं नरेन, मैं आई कम इन? नहीं शुक्रिया, मुझे बोलने दे। सच कहने का वक्त आ गया है। हाँ बोल 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 बोल। मैंने अपने टीचर से चिल्ला चिल्ला के कहा कि मुझे इंग्लिश सिखाओ, इंग्लिश सिखाओ, इंग्लिश सिखाओ, लेकिन उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैंने उसके पैर तक पकड़ लिए और फिर मैंने उससे गिड़गिड़ा के कहा, ए टीचर रुको, अंग्रेज चले गए लेकिन तुमको यहाँ पर छोड़ गए, हमें नहीं पढ़नी तुम्हारी इंग्लिश विंग्लिश, हम खुश है अपनी भाषा से। चल अब निकल यहाँ से, नहीं तो दिखाता हूँ। गुरुजी ने मेरा साथ नहीं दिया। फिर इंग्लिश फिल्म देख कर इंग्लिश सीखने के लिए मैं कितने सिनेमा हॉल भटका। ए, हमने इंग्लिश सीखने के लिए कौन सी इंग्लिश फिल्म देखी? कौन सी इंग्लिश फिल्म? शेम शेम पप्पी शेम। नरेन जल्दी आना, पिक्चर शुरू हो जाएगी। ए अरुण, ये क्या चल रहा है? कोई डायलॉग समझ में ही नहीं आ रहा है। अबे डायलॉग छोड़, पिक्चर देख पिक्चर। ये तो कुछ भी नहीं, जवान लड़के जो जवान लड़कियों से कहते हैं, क्या है वो भी नहीं कह पाता था। वो तीन शब्द आई से शुरू होता है। हाँ, आई टा इम आइटम। नहीं 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 नहीं, आई 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 लव यू। हाँ यही, मैं ये भी नहीं कह पाता था। इतना झूठ बोल रहा है। आई लव यू टीचर। अरुण कांत, क्या हुआ टीचर? ये क्या लिखा है तुमने? आपने तो कहा था कि जो लिखोगे दिल से लिखना। गांधी जी के सत्याग्रह के समय। स्टॉप इट, आई हेट यू, दोबारा मुझसे बात मत करना। मेरी सपना समझदार है, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ठीक है, तुम चिंता मत करो, इंग्लिश एक भाषा है, कोई पहाड़ तो नहीं। मैं तुम्हें सिखाऊंगी और बाकी सब कुछ भी। बॉस आपको बेवकूफ बना दिया। इन लड़कियों पर भरोसा करना ही बेकार है। झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले, फ्रॉड करने वाले, चोरी करने वाले, ये इन्हीं लोगों के पीछे घूमती रहती है। दुनिया को तुम्हारी मुट्ठी में कर दूंगी। I will show you the world. आज रात से मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगी। I am ready. ये क्या खाना रेडी है? ऐसी कोई बात कर रहा है? क्या पक रहा है? मैं भी तो देखूं। A for Apple. B for Ball. अबे कमीने, इस गांव में क्रिकेट खेल के कितने बूढ़ों का सर फोड़ दिया, तब नहीं पता चला ये बॉल है। C for Catch. यार हमने तो स्कूल में सी फॉर कैट पढ़ा था। इसीलिए तो आप फेल हो गए थे। कल तू कोई और नौकरी ढूंढ ले। सॉरी बॉस, आपकी फीलिंग में समझ सकता हूँ। फीलिंग इतनी देर से क्यों निकली? नहीं बॉस, मेरे किसी ने फीलिंग दी। सच में? क्या? ए, यहाँ आओ। ईशा, तुम लोगों को थोड़ा सा भी सेंस नहीं है क्या? एक लड़की के कमरे में झांक रहे हो। मेरे में सेंस नहीं है कह रही हो? हाँ, अंदर झांक कर देखो। अरुण क्या नॉनसेंस कर रहा है, तुम्हें पता चल जाएगा। क्या अरुण? अंदर देखो क्या तमाशा चल रहा है, देख लो। D for Darling. देखा ना? हा? अरे ये क्या हो रहा है? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरे वजह से? तुमने ही तो शुरुआत की ना। अब तो B for Ball, C for Catch कह रहा है। ऐसी छोड़ दिया ना तो L for Love और S for तक पहुंच जाएगा। बॉस, रिजर्वेशन आपने किया और ट्रैवलिंग वो कर रहा है। इसे बता। तो बात ये है मैडम, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा बर्थ मुझे कंफर्म करके दे दो। हाँ, रोकना होगा, इसी वक्त रोकना होगा, पर ना मैं यहीं पर प्यार के लिए अपनी जान दे दूंगा। R for Rabbit. S for अरे बिजली चली गई। कहने के लिए मुंह, सुनने के लिए कान चाहिए, फिर रोशनी की क्या जरूरत। हम कंटिन्यू करेंगे। उनका कनेक्शन भी हुआ है। Ball catch. C for catch. तुझे तो मैं मार कर हंस रहा है। हाँ,
मेरा थोबड़ा टूट गया, किसने लोटे से मारा मुझे? अरे डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। मुझे लोटे से मार कर गाना गा रही है, ले मजा आ गया। किसने मारा मुझे? अभी दिखाती हूँ। नहीं चला है सर, पूछताछ कर रहे हैं। ये सब मैं नहीं जानता, 24 घंटे के अंदर मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। यस सर। पहले मैं खेलूं। नहीं नहीं, पहले मैं खेलूंगा। मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। रुको, रुको। आपको ऊपर बुला रहे हैं। अरे चलो चलो नीचे जाके खेलो, नीचे खेलो, चलो 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 चलो, चलो। जाओ। साहब, नमस्ते साहब। हाँ, आपकी दिल्ली से आने का मैं बहुत इंतजार कर रहा था, आपसे एक बात करनी है। बताओ। अपने अखिल साहब का कातिल। अखिल का कातिल? स्वर्णा दीदी और उसके लोग हैं। स्वर्णा दीदी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है साहब। जाके पुलिस को बताना चाहिए था ना। पुलिस के पास जाने में डर लग रहा था साहब, इसलिए मैंने आपको सब बताया। अरे मुझे क्यों बताना, फोन लेकर आओ। पुलिस को बताना छोड़कर मुझे बताने आ गए साहब। फोन। क्यों चिल्ला रहे हो? गलत काम का सबूत नहीं छोड़ना चाहिए, कत्ल का कोई गवाह नहीं होना चाहिए। सफाई से करोगे इसलिए काम सौंपा था। एक आदमी ने ये देखा और वो मेरे पास आया। अगर वो पुलिस के पास जाता तो सारा काम बिगड़ जाता। मैंने उसे ऊपर भेज दिया। एक कत्ल को छुपाने के लिए दूसरा कत्ल करना पड़ा। वो बात नहीं है। हमेशा के लिए मैं इस कत्ल के लिए तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, पदवी दूंगा, MLA की पदवी। शहर में ज्यादा कमाई का जरिया क्या है? समंदर से आई सूखी मछली को लेकर जहां से आई कंटेनर तक पैसा ही पैसा। अखिल खड़ा होता तो जीत जाता, लेकिन वो भी अपने बाप की तरह ही दूसरों को कमाने नहीं देता, न्याय और धर्म की बातें करता रहता। इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया और तुम्हें खड़ा कर रहा हूं। तुम्हें पद मिलेगा और हमें पैसा। इस इलाके के लिए यह हमारी डील रहेगी। अखिल के कत्ल के बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा। शोक मनाने के लिए पूरा इलाका बंद रहेगा, तभी तो कोई हम पर संदेह नहीं करेगा। हे, सब दुकान बंद करो। ए, कहां जा रहा है? मार्केट में सब मारकाट हो रही है। अखिल को मार दिया ना, इसलिए स्वर्णा दीदी के भाई। अरे अरे, हमारी इश्वरी तो मार्केट गई है। दादी, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? क्यों बेबी, दुकान बंद क्यों नहीं किया? पापा खाना खाने गए हैं, वो आएंगे तो बंद कर दूंगी। ए, दुकान बंद कर इसकी। नहीं नहीं, रुक जाइए प्लीज, मदद कीजिए। चल। क्या कर रहे हो? रुको! नहीं, 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 नहीं
क्या है, दरवाजा क्यों खोल रहा है? भाई बच्ची अंदर है, दरवाजा खोलने दो ना। दरवाजा खोलो, मत रो। हिम्मत है तो दरवाजा खोल के दिखा तेरी तो। ये ठीक तो है? हाँ, बेटा बस थोड़ा डरो मत, डरो मत। हाँ कुछ नहीं बेवकूफ, छोटे बच्चों से बात करने का ये कोई तरीका हुआ? उसे कुछ हो जाता तो। ए, क्या बोल रही है तू? ए, बदतमीज से बात की ना तो चप्पल से मारूंगी। एक काम कर, यहाँ से निकल। ए, छोड़ बे। मैंने कहा ना, यहाँ से निकल। ए, छोड़ बे। कहा ना, निकल। छोड़, छोड़। मैंने कहा ना, निकल। Hey! क्या हो रहा है यहाँ? क्या लफड़ा हो रहा है यहाँ? बोल, किसी का मुंह नहीं खुलेगा। ओह जय श्री कृष्णा। क्यों राजा, तुझे पता है? देखा क्या कुछ? सर वो मैं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अरे सुनो, लड़की बताना चाहती है तो वापस क्यों लेके जा रहा है? कुछ बात करनी है। अपनी पैंट शर्ट उतार के जाके साड़ी पहन ले। कहेगा ए, क्या घूर रहा है? क्यों रे, क्या समझते हैं अपने आपको? हाँ चल निकल, निकल यहाँ से, चल जा। गवाही देने को बोला तो आंखें दिखाता है। तुमने मुझे रोका। चुप। ये सब देखकर चुप रहना ना इंसाफी है। पुलिस को सब कुछ बताकर उन्हें अंदर कर देना चाहिए था, तो उन्हें सबक मिलता। हम यहाँ ये सब करने नहीं आए हैं। हम ये सब करने नहीं आए हैं, हमें तो सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देखना चाहिए, है ना? इसीलिए तो सब पे दादागिरी कर रहा है। हमारे चुप रहने से उसकी दादागिरी और बढ़ेगी। जाओ 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 जाओ। किसने क्या किया, कैसे किया, जाके कह दो उन्हें। पुलिस स्टेशन, कोर्ट के चक्कर खाने तो जाके कह दो उन्हें। यही करने के लिए गांव वालों ने हमें यहाँ भेजा है ना? पहले से मुसीबत में, ऊपर से ये बात करती है। अरे अगर मैंने बड़े तोप की तरह उसका हाथ पकड़ा था तो मैं उसकी गर्दन भी पकड़ सकता था, लेकिन मुझे पता है कहाँ कैसे रहना है। सबसे पहले तो तुम एक समझदार लड़की की तरह रहना सीखो, दूसरों को ज्ञान मत बांटो। डरपोक कहीं के खुद का हाथ तोड़ा है, उसका नहीं तोड़ पाए? उसका नाम तो बताओ, उसका दी एंड करती हूँ। तुम लोग तो ऐसे डर के चले आए। ए, फोन लगा रहे। ए, इधर आओ। वो इंस्पेक्टर करुणाकर आ गया, वरना उसे। ए, गाड़ी में सामान है क्या? दीदी। हाँ। सब एकदम सही कर दिया नेताजी ने। नमस्ते नेताजी। तुम पर जितने भी केस थे सारे निकाल दिए हैं, अब वहां जरा साइन करो। स्वर्णा देवी। चलता हूँ नेताजी। वो जरा देखना ध्यान से, कल आकर नॉमिनेशन फॉर्म भर देना। नॉमिनेशन? हाँ नॉमिनेशन। मतलब आपके पार्टी से डमी कैंडिडेट खड़ा किया है? हमारे सारे लोग अंदर से तुम्हें सपोर्ट करेंगे। अरे ये प्लास्टर क्यों भाई? दंगा करने गए थे तो झगड़े में किसी ने भाई का हाथ तोड़ दिया। क्या कहा, हाथ तोड़ दिया? शर्म नहीं आती? सारे लोगों के दिलों में तुम लोगों का खौफ होना चाहिए। डर ही चला गया तो फिर क्या बचा? फिर उसे खत्म किया कि नहीं? उसके पास ही तो जाने वाले थे, बीच में आपका फोन आ गया तो यहाँ पर चले आए हम लोग। कौन है वो? ये तो मिनिस्टर का लेटर पैड है। हाँ, ये स्वामी जी की भभूत है। अरे दिखाइए मुझे। इलेक्शन के खर्च के लिए, जरूरत पड़ी तो और मांग लेना। हाँ बोल रहे। आपके इलाके से आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं सर। पागल हो गए हो क्या, उन्हें यहाँ क्यों बुलाया? उन्होंने अपने आप से एड्रेस ढूंढ लिया है सर। आप ही ने तो कहा था कि मेरे इलाके से कोई भी आएगा तो उसे मुझसे मिलवाना। हाँ वो एक मिनट एक मिनट, तुम लोग निकलो। चलो। इलेक्शन होने तक सारे शांत रहना, उसके बाद देखेंगे। क्या इलेक्शन इलेक्शन कर रहा है? अगर मेरे सामने आया तो मैं खत्म कर दूंगा। क्या बातें करता है रे?
आप लोगों को साहब ने बुलाया है, ऊपर जाइए। हेलो, ऊपर नहीं, आप लोग नीचे आइए, नीचे आइए। फिर उसको जाने दो, आप लोग नीचे बैठो। इलेक्शन हो जाने दे, देख लेना उसे कैसे मारती है। उसको सबक नहीं सिखाया कि मेरा नाम भी स्वर्णा देवी नहीं। हमें भी जाना है, देख हम आ गए हैं तो छोड़ने वाली नहीं जाएंगे। अरे अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कीजिए ना सर। आप लोग बेकार की जिद कर रहे हैं। ठीक है, जाइए जाइए। नमस्ते साहब। ओ नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए। वो हमारे गांव के तालाब के बारे में बताया था, फैक्ट्री को बंद करना है। अरे हमारा गांव तुम्हारा गांव कह के अलग मत करो, अपना गांव कहो। मैं पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट को तुरंत लेटर भेजता हूँ। ए तुम एक काम करो, इसे मेरे लेटर हेड पर टाइप करो, मैं साइन कर देता हूँ। अच्छा सर, अब हम आपसे कब मिलने आए? ये लेटर अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजेंगे। हाँ? तुरंत काम शुरू हो जाएगा। हाँ? वहाँ से मंत्री जी आपके नाम से लेटर भेजेंगे, आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक कॉपी आएगी। अरे वाह। उसके आते ही मुझसे मिलना, सब काम अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है। हाँ? अब चलता हूँ। ओके ओके। कम कम कम, नया कबर्ड खरीदा? या वेरी नाइस, थैंक यू। क्या कर रहे हो, चलो बढ़ाई करो, अंदर रख दीजिए। मैडम कपाट बहुत भारी है, हम सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा सकते। हाँ? हमें जाने दीजिए। ओए सुपरमैन, व्हाट हैपन, कैन यू हेल्प मी विद दिस कबर्ड इनसाइड? वो कबर्ड और नहीं तो क्या। ओके डन। हां थैंक्स। तुम कैसे इस कबर्ड को उठाते हो, मैं भी देखती हूँ। पैसे बहुत कम है मैडम जी, थोड़ा बढ़ा कर दीजिए ना। कैसे आदमी हो तुम, चारों एक कबर्ड का पैसा मांग रहे हो। हम चारों ने उठाया था मैडम। मैंने भी तो उठाया था। तुम कहाँ उठा कर लाए, गाड़ी में रख कर लाए हो ना। देखिए ना दीजिए, मेहनत करो फिर भी पैसे नहीं मिलते। चलो भाई इसे ले जाना ना। हाँ। C for cupboard। ये क्या, इसके अंदर पहले से सामान रखा है क्या? नो नो, ऐसा लग रहा है इसके अंदर पहले से कोई भारी चीज है। तो उठा नहीं सकते क्या? इसने कहा ऐसे कबड़ शब्बड़ तो बहुत उठाया मैंने। Really superb. अरे अरे ये क्या, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ये क्या कर रही हो? रुको सुनो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मैं तुम्हारी प्यास बुझा देती हूँ, फिर तुम्हें पानी की जरूरत नहीं होगी। क्या है? पानी, पानी चाहिए। I'm coming, baby. Six pack? Where are you, my baby? तू यहाँ क्या कर रही है? मैं नए कबर्ड को देखने आई थी। अच्छा, यहाँ मेला लगा है क्या? मुझ पर नजर रख रही है? चुप करो, ये तुम्हारी गलत फहमी है। ओ। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अलमारी का पेंट सब सही है, वो देखने आया था। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा फायदा उठाओ। टच करने की कोशिश मत करना। मैं क्यों टच करूंगा? लगता है भाग क्या? मैं क्या अलमारी देखने आया हूँ, दिखाएंगे क्या? सुपरमैन कहाँ है? वो स्पाइडरमैन की जाल में कहीं फंसा पड़ा होगा, मैं देख सकता हूँ क्या? कम या किस पागल ने ये अलमारी यहाँ रखी है? क्यों? वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये गलत है। वास्तुशास्त्र जानते हो? इसे मैं अभी बताता हूँ। पूछ रही हो वास्तु जानता हूँ क्या? अग्नि मूल, ऐश्वर्य मूल, वायु मूल, कुबेर मूल, और बीच में ब्रह्मस्थान, उसके बाजू में हिंदुस्तान, उसके बाजू के बाजू में पाकिस्तान। वास्तु शास्त्र के अनुसार चार मूल कोनों के लिए चार फल बताया गया है। अग्नि मूल पर दम रखा जाता है, वायु मूल पर गैस स्टोव रखा जाता है, जल मूल पर 2000 बियर रखा जाता है। तो फिर कुबेर मूल अलमारी रखते हैं। आपके दिमाग की दाद, दिमाग को साइड में रखो, कबर्ड को कोने में रखो। कम ऑन लेट्स डू इट। या अरे उठाए नहीं जा रहा है,
बेकार में बदनामी होगी, चल घसीट के ले चलते हैं। अरे इतना भारी क्यों है, जोर लगा के, जोर लगा के। सोनी सोनी तू है कुड़ी, तुझसे मेरी आंखें लड़ी। राजा मैं तेरा दीवाना, सौदाई प्यार में पागल हुआ। आओ ना गले लग जाने जा। ना बाबा ना 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 पास मेरे ना आना। सोनी सोनी तू है कुड़ी, तुझसे मेरी आंखें लड़ी। कर ले यकी अब तू है मेरा रे, दीवाना दीवाना मैं तेरा रे। इश्क है बीमारी न उतरी ये खुमारी, तू है जान मेरी मर्जी है क्या तेरी। आना आ जाना गले लग जाने जा। आओ ना आओ ना सोनी तू है कुड़ी, तुझसे मेरी आंखें लड़ी। प्यार है किया रे तुझ में ही डूबा रे, जागू मैं रातों में तेरे ख्यालों में। रोग ये प्यार का मुझको है लगा रे, आशिकी में तेरे दिल मेरा खोया रे। तेरा नशा तेरा जुनून मैं छाया रे, डूबा हूँ मैं तुझ में तू ही मेरे दिल में। इश्क है बीमारी न उतरी ये खुमारी। आओ ना आना आ जाना पास मेरे आ जाना। अब ना तू दूर होना। आओ
प्रिय वोटर्स, आपसे वोट मांगने के लिए हमारी प्यारी दीदी आई हैं। लोगों की मदद करने और उनकी मुसीबत को समझने वाली कर्णा दीदी आ रही हैं। नमस्ते नमस्ते। वहाँ देख रहा है, उस जमाने में गांधी जी ने राजनीति में आने के लिए कहा था, अच्छे लोगों को अपना मानकर उनके साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन अब देखो राजनीति का नाम सुनते ही लोग थूथू करने लगते हैं। ऐसे लोगों की वजह से राजनीति की इज्जत जो थोड़ी बहुत बची है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। एक घटिया औरत हमारे एरिया के तरफ से खड़ी है, पता नहीं इस एरिया का क्या होगा। ये हमारी बदनसीबी है, क्या कर सकते हैं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भैया। मेरे भाई पे हाथ उठाया ना, इलेक्शन खत्म होने दो फिर तेरा काम तमाम कर दूंगी। अच्छा चलती हूँ मैं। हाँ वेर इज सिक्स पैक? पता नहीं, मैंने उसे कल बताया था कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ, उससे खास बात करनी थी। ओह, तो मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगी? मेरा लेटर उस तक पहुँचा दोगी क्या? मेरी एड कंपनी ने मुझे कोई और घर दिया है, वहीं मिलेंगे। आई लव यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। मैं क्या यहाँ पे ईश्वरी कुरियर सर्विस का बोर्ड लगा के घूम रही हूँ, लेटर देना इसको। सपना चली गई क्या? हाँ चली। हाँ क्या कहा? चली गई। हाँ मेरे बारे में कुछ बोली क्या? कुछ नहीं कहा। ए, हाथ में ये क्या है? लेटर मेरे लिए? ये लेटर मेरे लिए? किसके लिए? नहीं वो मेरे लिए। क्या हुआ? वो ये तुझे देने के लिए नहीं कहा है। तो फिर किसका लेटर है? हाँ। मेरा ना? नहीं, नहीं। तुमने मेरा कहा? झूठ मत बोलो। नरेन? हाँ? नरेन? मैं? क्या हुआ? तुम्हें मेरी दाढ़ी करनी है क्या? ये ले, लेटर। सॉरी, मैं नहीं ले सकता। सपना के अलावा मैं किसी को भी नहीं चाहता। बेहतर होगा तुम कोई और लड़का ढूंढ लो। चुप रहो, पागल हो गए हो क्या? ये सपना नहीं दिया है। सपना का मेरे लिए? अरे वाह, लव स्टोरी जम गई। क्या? नरेन की मुझसे गलती हो गई। मतलब थोड़ी देर पहले आता तो सपना मेरी होती। ख्याली पुलाव पका रहे तो क्या हुआ? तुम्हारे पीछे पड़ूं? सपना जैसी लड़की चल जाएगी, लेकिन तुम जैसी खतरनाक लड़की से तो दूर ही रहना अच्छा है। मैं और खतरनाक? वैसे तो भोली भाली बनकर रहती हो, लेकिन मौका मिलते ही कोई चांस नहीं छेड़ती। उस दिन अलमारी में तो तुम्हारा रवैया कुछ और ही था। चुप, चुप हो जाओ। सपना, बॉस, बॉस, ये क्या बॉस, सफाई का काम आप कर रहे हैं? अबे जा बे साले, जाना। पता है कौन कहाँ गया? यार क्या हुआ? सपना, सपना मुझे छोड़कर चली गई। वो छोड़कर चली गई? अबे जाना साले, मुझे प्यार भरा खत लिखकर उसने मुझसे एक बात भी कहे बिना वो मुझे छोड़कर चली गई। गांव छोड़कर थोड़ी गई है, यहीं गई है। आप कल जाकर मिल सकते हैं, थोड़ी देर में चली आएगी। सच में? हाँ। वो मुझसे बात करेगी? क्यों नहीं करेगी, दिल खोल कर करेगी। मुझे चुम्मा भी देगी ना? चुम्मा भी देगी, जो चाहेंगे वो देगी। सब कुछ देगी क्या? देगी। आ, गले लग जा, सब कुछ देगी, चुम्मा देगी। और मुझे चल के पानी भर दो। ये आंटी मुझे पानी पिलाने बुला रही है, मैं पीकर जल्दी से आता हूँ। बस इस हंडे में आपको पानी भरने के लिए बोल रही है। अच्छा, पानी भरने? हाँ। पहले की तरह गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इस बार हमें ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। सर,
स्वर्णा निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, बहुत खतरनाक है वो। चुनाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। हम सबको बहुत ही सतर्क रहना होगा सर। तुम सिर्फ बोगस वोट डालकर ही चुनाव जीत सकती हो, क्या उसका सारा इंतजाम हुआ? हाँ नेताजी, सब इंतजाम कर दिया। सारे बूथ पर जाकर ये काम नहीं करना है। उस एरिया के सारे बूथ पर हमें नजर रखनी होगी, हमें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होगा। ओके मिस्टर करुणाकर, जिस बूथ पर प्रॉब्लम है तुम उसे अपने कंट्रोल में रखो। हमारे चार मजबूत वोटिंग बूथ को सिलेक्ट करके वहीं से काम करना होगा। वो एसआई करुणाकर है ना, उसे तो मैं देख लूंगा। ए, चल निकालें यहाँ से, इसे प्रचार की जगह समझ रहा है क्या? ए, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? एक आदमी यहाँ पे आकर के वोट डालने वालों को बहका रहा है और तुम लोग अब जय श्री कृष्ण, अंदर डालो इसे। कार्ड दिखाओ। जी सर। ये क्या ड्राइविंग लाइसेंस दिखा रहे हो? हाँ सर। राशन कार्ड लाए हो क्या? लाया हूँ सर। वो भी दे दो। हाँ? तुम्हें वोटर आईडी के साथ पैसे देकर साथ में फैमिली प्लानिंग करवा कर भी भेज देंगे। अरे भाई इलेक्शन कार्ड दो ना। अभी देता हूँ। बेकार में दिमाग खा रहे हो। नाम क्या है? चरण है सर। चरण, तो अभी तेरे चरणों पे गिरू क्या? नंबर 48, नाम चरण। बाप का नाम क्या है सर? बाप का नाम और भी भयंकर है, चुपचाप वोट करने दे दो। सर, लो भाई, वोट डालना है क्या? वोट अच्छे लोगों को देना। ये एमपी एमएलए जैसे गलत लोगों को वोट देकर देश को और बर्बाद मत करना। जाओ। हाँ बोलिए सर। मंत्री जी मंदिर जा रहे हैं, उनके जाने का पूरा इंतजाम करो, सारा रास्ता क्लियर। सर वो क्या है कि इस एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा सावधानी बरत रहा हूँ। उनको जान का खतरा है, तुम जाओ, ये मेरा ऑर्डर है सर। वो मैं, दिस इज माय ऑर्डर। कहाँ जा रहे हो सर? मिनिस्टर की धोती फट गई, उसे सिलवाने जा रहा हूं मैं। क्या हुआ? चलो ए, चलो तुम। क्यों भाई, सुरक्षा इंतजाम ठीक है ना? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? आप जा सकते हैं। तुम भी आकर भगवान से आशीर्वाद ले लो भाई, गणपति भगवान बहुत शक्तिशाली है। मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, आ जाओ। नहीं सर, बस एक दो सालों में ही तिहाड़ या मुंबई सेल में ट्रांसफर हो जाऊंगा, तो फिर देख लूंगा। मजाक अच्छा कर लेते हो। नो सर, आई एम सीरियस। तब ठीक है? सलाम मैडम। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सबके सामने दांत निकालकर सलूट कर रहा है, लगता है इसका इरादा हमें फंसाने का है। तेरे पे यकीन तब होगा जब वोट का काउंटिंग शुरू होगा। ए, संभाल रही इसे, चल दूसरे बूथ में चलते हम लोग। ए, जास्ती नाटक मत कर, जानता नहीं मैं मैडम का भाई हूँ। ऐसी बात है, ठीक है आप जाइए। ए, उधर देखो, वो देखो अपना नरेन। अच्छा बैठो बैठो, अरे बैठो। पता है ना वोट किसको देना है? अरे भाई लोग, इलेक्शन कैसे चल रहा है? अभी तक तो ठीक ही चल रहा था, लेकिन अब आप आए हैं तो बैठो बैठो बैठो। तेरा नाम क्या है? जीवन। जीवन जीवन, यहाँ यहाँ। अरे तू तो मरा हुआ है रे। मरा हुआ हूँ? हाँ, तेरे को मरे हुए तो 2 साल हो गया है। सर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो कुंडली बता रहे हैं ना, चुपचाप वोट दे दो, मान भी जाओ वरना बेमौत मारे जाओगे। ये कैसे होगा, वोट का हक कैसे छोड़ सकते हैं? ए, ज्यादा बकवास मत कर, चल निकल। आजादी तुम टेंशन मत लो, मैं इसे संभालता हूँ, चल रे। ए, पुलिस इधर आ, इसे यहाँ से ले जा, ये किसी और को वोट डाल रहा है। ए, अंदर किसी को मत आने देना, 1 घंटे के लिए रोक के रखो। आप इलेक्शन क्यों रोक रहे हैं? अभी बताता हूँ, क्योंकि इंक खत्म हो गई है ना। क्या लेटर आया है? हमारे गांव के तालाब के सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफिस से लेटर आया है, तुरंत जाके मिनिस्टर से मिलना है। चाबी कहाँ है? सब अपने नारायण स्वामी के पास है। ओह, लेकिन हमारे सारे पेपर्स तो अंदर पड़े हैं। ठीक है, मैं नरेन से मिलकर चाबी लेकर आती हूँ, अगर अरुण आए तो उसे बता देना। इंक खत्म हो गया। इंक खत्म होने वाली चीज है, मजाक करते हो क्या तुम? गुंडा गर्दी बढ़ा के रखी हुई है। ओ, तो ये सब तुम्हारा काम है आदि, ये सब बिल्कुल गलत है। अभी बताते हैं, भाई को अपना सिंबल दिखा जरा। सिंबल दिखाओगे? दिखाओ सिंबल। ए, क्या है ये, हथियार दिखाओगे तो क्या मैं डर जाऊंगा? क्या कर रहे हो? हमारा काम मत सिखाओ, चल जा। क्या ये तुम लोग क्या कर रहे हो? बहुत गलत हो रहा है, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम लोगों को, सबकी कंप्लेंट करूंगा।
सर यहाँ नरेन नाम का आदमी बूथ पे ड्यूटी कर रहा है। मिल सकता। लेकिन सर मैं अर्जेंटली उससे मिलना चाहता हूँ। अंदर नहीं जा सकता, तुम जाओ यहाँ से। ए, उसको आने दे अंदर। जाओ, बुला रहे हैं। पहले बोला था ना। नरेन, ए ईश्वरी, तुम यहाँ क्यों आई हो? लेटर आया है, तुरंत जाके मिनिस्टर से मिलना है। लेकिन सारे पेपर्स तो ड्रॉअर में हैं। मैं बस चाबी लेने आई थी। ये लो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वक्त ठीक नहीं चल रहा है। जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। वो नहीं आया। कौन? अरे तेरे साथ घूमता है जो। नहीं आया है। अरे इधर आओ मेरी जान। अरे वो क्या नहीं आया तो क्या हुआ? तू वोट डाल दे, तेरी वोट डालने की उम्र हो गई है। छोड़ो मुझे। हमारा ही बूथ है मेरी जान, चल दोनों साथ वोट डालेंगे। आदि भाई, नहीं इसे जाने दीजिए। आदि, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। छोड़ दूँ? दर्द मुझे हुआ था इसलिए मैं जानता हूँ। मेरी बात कान खुलकर सुन, वो हमारे इलाके में आके हमसे पंगा लेगा। अरे ये क्या हो रहा, क्या कर रहे लोग? पकड़ो उसको, भागने ना पाए। ये क्या?
छोड़ूंगा नहीं। रोक। दस्तखत से बेवकूफ बना सकते हैं, इसलिए अंगूठा लगा रहा हूं। अरुण कांत खोली नंबर 28 ठाकुर नगर, जब चाहे आ जाना, मैं वहीं रहूंगा। इन्होंने एक लड़की की बेइज्जती की और ये जाली वोट भी डाल रहे थे। मैं चाहता हूं आप केस दर्ज करो। आप जहां कहेंगे, जिस कोर्ट में कहेंगे, मैं वहां आकर गवाही देने को तैयार हूं। और सुनो, सच्चे मर्द हो तो इनके खिलाफ एक्शन लोगे, और अगर ना ले पाए तो मैं समझ जाऊंगा तुम क्या चीज हो। ऐ, रुक जाओ। जो अकेले ही 10 आदमियों को एक साथ मार सकता है, उसे पीठ के पीछे से मारना गलत है। छोड़ दो, जाने दो उसे। पहली बार मैंने कोई मर्द देखा है। एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। हाथों का दो छुरी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। जय श्री कृष्णा। माला निकालने के लिए माफी चाहता हूं। निकालना मेरी मजबूरी है। अगर नहीं निकालूंगा तो मेरे हाथ बंधे रहेंगे। आपने भी तो राक्षसों का नाश किया था ना। जय श्री कृष्णा। सर, आपने ये माला क्यों निकाल दी? सर, आप ये क्या कर रहे हैं सर? गुंडों से निपटने के लिए गुंडों जैसा नाटक। देखती रहना, पहले मैं दिखाता हूँ। चुपचाप चुपचाप उसे छोड़। छोड़ कहती हूँ मैं उसे। छोड़ दो इसे। मैं इन कमीने गुंडों को छोड़ दो। मैं तुम्हें भी इनके साथ अंदर कर दूंगा। ये देख, ये किसी आम आदमी का अंगूठा नहीं है। इलेक्शन बूथ पे तेरे भाइयों ने गुंडागर्दी की है और उसकी गवाही दी है एक मर्द ने। अगर मैंने इसे कोर्ट में हाजिर किया तो सिर्फ तेरा भाई ही अंदर होगा, लेकिन अगर मैंने तेरा नाम भी इलेक्शन कमीशन को भेजा तो तेरा पॉलिटिकल करियर चकनाचूर। उसके बाद तुझे भी घसीटते हुए सलाखों के पीछे डाल। पता है किससे बातें कर रहा है तू? किससे बातें कर रहा है तू?
पता है किसने बात करना? नहीं छोडूंगी मैं, ले जा वरना ये भी पिट जाएगी। बताती हूं मैं तेरे को, नहीं छोडूंगी, नहीं छोडूंगी। अरे बताऊंगी इसको, अरे छोड़, अभी बताती हूं इसको। हेलो, हेलो, स्वर्णा बोल रही हूँ। बोलो। वो करुणाकर पागल हो गया है, पुलिस स्टेशन में मेरे भाई को लाकर पीटे जा रहा है उसको। पता नहीं किसने कंप्लेन की, FIR में मेरा भी नाम है, और कह रहा है कि तुझे मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं होने दूंगा। पुलिस स्टेशन में लफड़ा करोगी तो तुम्हें भी अंदर डाल देंगे, निकलो वहाँ से। ये क्या, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कितने लोगों ने कंप्लेन की है? एक ही ने की है। उसे उठा कर ले आओ यहाँ। ए, जा रे, उठा के लाओ उसको, जा जल्दी जा। अरुण भाई मिनिस्टर काली पांडे से मिलने गए हैं। तब रुको, काली पांडे से मिलने गए। ए, ये तूने क्या कर दिया? हाँ, दरअसल क्या है ना भाई, वो क्या हुआ कि मैं आपको भाग गया सर। दीदी, वो नेताजी से मिलने गया है। अपने नेताजी से? उसकी हिम्मत, चल जल्दी चल। हाँ आओ अरुण कांत। हाँ सर। तुम्हारे गांव की समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ। फैक्ट्री बंद करने का ऑर्डर दे दिया है साहब ने, मिनिस्टर साहब एक साइन करेंगे और तुम्हारी समस्या खत्म समझो। तुम्हारी फाइल मैंने साहब तक पहुँचा दी है, थोड़ी देर इंतजार करो, काम हो जाएगा। साहब। क्या है? आपके इलाके के अरुण कांत साहब है ना, उस दिन आए हुए थे, वो बाहर बैठे हुए हैं साहब। तो क्या? पोल्यूशन कंट्रोल से ऑर्डर आ गया है साहब, आप साइन कर दें तो ये फाइल मैं उनको दे दूं साहब। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? एक तो पहले से मैं यहाँ टेंशन में हूँ और ऑर्डर ला रहा है दस्तखत करने के लिए। तुम्हें पता नहीं किसी ने कंप्लेन करके चार बूथ में वोटिंग रुकवा दी है। 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए खर्च किए मैंने इलेक्शन के लिए और तुम यहाँ ऑर्डर लाते हो। यह स्वर्णा के भाई अंदर है और एक मिनिस्टर होकर भी मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल सका, और ऐसे में तुम्हारे इलाके से आए हैं, हैं? दिमाग खराब मत करो, चलो निकलो निकलो। हेलो, मैं स्वर्णा बोल रही हूँ। हाँ, बोलो बोलो। वो आपसे ही मिलने के लिए गया हुआ है। कौन है, कौन है? उसका नाम है, हेलो 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 हेलो। Hey! कोई भी कॉल आएगा तो कोई रिसीव नहीं करेगा, जाओ। इलेक्शन में जीत कर आया तो फालतू में मुझे सुना रहा है। क्या बोले मंत्री तुम जी? जाओ भाई, तुम्हारे मैटर में मुझे खामखा सुनना पड़ रहा है। अरे ऐसा भी क्या हो गया? मंत्री जी को पता नहीं किस बात का टेंशन हो गया है भाई, ऐसा लगता है आज तुम्हारा काम हो नहीं पाएगा। लेकिन सर, आज प्लीज हमारा काम कर दीजिए, हमें गाँव वापस जाना है। मैं तो समझ रहा हूँ मैडम, वो समझे तब ना। संगीता, प्यार एक गमले में खिले फूल की तरह है, जिंदगी में अगर वो एक बार मुरझा गया तो वापस कभी नहीं खिलेगा। कितनी बात करेगा, चल हट। हेलो, मैं हूँ। हाँ। हाँ, बोलो बोलो, मिल गए क्या? आपके पास गया है आपसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने के लिए? नाम क्या है? नाम हाँ, अरुण कांत। आप उसको छोड़ना मत। खाने भी नहीं देते। हाँ साहब, अरुण कांत है। अरुण कांत वो तो चला गया अभी अभी। बुलाओ, 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 जल्दी बुलाओ। ए अरुण कांत, रुको भाई। क्या हुआ? अच्छा हुआ तुम नहीं गए, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है भाई। चलो चलो, साहब बुला रहे हैं। सच में? ए तुम कहाँ आ रही हो? नरेन ने टिकट बुक कर दी होगी, वो ले लो और गांव जाने की तैयारी करो। दादी कमजोर लग रही, कुछ खिला देना। जल्दी आना। नमस्ते सर। आओ आओ, बैठो बैठो। नहीं नहीं ठीक है सर। अरे नहीं नहीं, बैठ जाओ। कुछ ठंडा गरम? नहीं नहीं शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। पानी तो पियोगे? पियो पियो। ऐसे साफ पानी के लिए हमारा गांव तरस रहा है सर। क्या प्रॉब्लम है? वो हमारे गांव के तालाब का पानी गंदा हो गया है, आप फाइल में दस्तखत कर दें तो। इलेक्शन बूथ में क्या प्रॉब्लम था? ओ इलेक्शन बूथ, मैं आपको बताने ही वाला था, गांव से एक लड़की आई है ईश्वरी, उस दिन भी तो आई थी, इलेक्शन बूथ में कुछ काम से गई थी और उन गुंडों ने उसका दुपट्टा निकाला और सबके सामने उसकी बेइज्जती की सर, इसलिए मैंने उन गुंडों को मारा।
गुंडों के बीच क्यों पड़े तुम? मैं भी आपकी तरह ही सोचता हूँ सर, दो तीन बार उन्हें माफ किया था लेकिन उस दिन हद हो गई। जाली वोट देके लोगों को परेशान करके अपनी बहन को जिताने की कोशिश कर रहे थे, अब मुझसे देखा नहीं गया और मैंने उन सबको ऐसा मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। सर आप बताइए, मैंने सही किया ना? हाँ सही किया, चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें अब एक काम करना पड़ेगा। हाँ सर बोलिए ना, क्या करना है? जो कंप्लेंट तुमने की है उसे वापस ले लो। क्या कहा? उसके लिए तुम्हें एक दस्तखत करनी होगी। मंत्री जी वापस ले लो, मैं कह रहा हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो सारे के सारे गुंडे हैं, उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए। चुप रहो, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? कहा ना दस्तखत करो। मंत्री जी आप मंत्री जी यही है वो सारे गुंडे, इसीलिए तो मैं ये कंप्लेंट वापस लेने के लिए कह रहा हूँ। हम आपके भरोसे इतनी दूर गांव से आए हैं और आप इन सारे गुंडों का साथ देते हो? हाँ देता हूँ, मुझे उन लोगों की जरूरत होती है। सवाल क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा? क्योंकि हम ही ने आपको वोट देकर जिताया मंत्री जी। वोट? 5 साल में एक बार एक वोट देने के लिए तुम लोगों की जरूरत पड़ती है मंत्री जी। लेकिन फिर उन 5 सालों तक राजनीति के अखाड़े में खुद को खड़ा रखने के लिए इन लोगों की जरूरत पड़ती है। आप लोग वोट देना मत भूलना, अपना एक वोट देकर मुझे जिता देना है। घर खाली करने से लेकर आदमी को खत्म करने तक का सारा काम मेरे लिए करते हैं। तुम कर सकते हो? कोई प्रॉब्लम हो तो बस चलाकर बाजार बंद करोगे मेरे लिए? मंत्री जी गांव वाले तो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप गांव का भला करेंगे। अच्छा, नहीं किया तो वोट नहीं देंगे? अरे इस इलाके में तो सिर्फ 3-4 सीट्स हैं, इस इलाके में नहीं खड़ा हो पाया तो दूसरे इलाके में खड़ा हो जाऊंगा, दूसरे नहीं तो फिर तीसरे इलाके में खड़ा होकर जीत जाऊंगा। पागल हो क्या? जहां से भी लड़ूंगा फर्जी वोट के लिए इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्यों रे, पिछले इलेक्शन में कितने वोट डाले थे तुमने? 73 वोट डाले थे नेताजी। सुना तुमने 73? मैं इसे क्यों बता रहा हूँ? दस्तखत करोगे या नहीं? नहीं करोगे? तालाब का पानी। पंचायत में बड़ी बातें आंक रहा था, अब देखते हैं क्या होता है। भगवान न करे इस गांव में कोई और मेरी तरह अपाहिज हो। छोड़ूंगा नहीं। इसके अंगूठे का निशान ले लो। मेरे गुंडों की ताकत, मेरी पॉलिटिकल पहुंच, मेरा पद, ये बिना जाने मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहा है। अंगूठे का निशान लेकर इसे खत्म कर दो, बड़ा 30 मार खा बन रहा था। क्या हुआ नरेन? अरुण कहाँ है? वो तो मिनिस्टर के घर पर है। हे भगवान, स्वर्णा दीदी के गुंडों ने हम सबको पीटकर अरुण का पता पूछा, मेरे आदमी ने उसका पता बता दिया, वो सब अरुण की तलाश में गए हुए हैं। ले चल इसको घसीट के। Thank you.
वॉचमैन, मेरे साथ एक आदमी आया था, वो अंदर है क्या? यहाँ कोई भी नहीं है, जाओ। थोड़ी देर पहले आया था। अच्छा वो, उसे सब लोगों ने मिल करके मारा और फिर गाड़ी में उठा कर ले गए। चलो तुम भी निकलो यहाँ से। क्या कह रहे? मैडम ऑटो कब ठीक होगी? अभी ठीक हो जाएगा मैडम। क्या है सब? फालतू में तीन लोगों को तुमने अरेस्ट किया और फिर तुमने उन्हें जानवरों की तरह मारा। बेवजह में अरेस्ट नहीं किया है सर। इलेक्शन बूथ पे फर्जी वोटिंग कर रहे थे, झगड़ा किया, ब्लास्टिंग की, जिसकी वजह से तीन लोग मारे गए। इस कारण उनको अरेस्ट किया सर। एक आदमी ने कंप्लेन की है, उन्हें कैसे छोड़ दिया? जिसने कंप्लेन दी है उसने कंप्लेन वापस ले ली है। जाओ जाकर छोड़ो उन्हें। सर वो केस वापस नहीं ले सकता, इसमें किसी की कोई चाल है सर। ए, क्या डीआईजी साहब तुम्हें बता रहे हो, तुम जुबान लड़ा रहे हो, छोड़ने बोला तो छोड़ना चाहिए ना। ओके सर, उसे कहिए कि मेरे सामने आकर बोले, मैं उसे छोड़ दूंगा। कैसे आएगा सर, कैसे आएगा? इसके खिलाफ तीन लोग थे उसे अंदर डालने के लिए। हमारे इलाके के एक भोले भाले आदमी को मार दिया, ऐसी कंप्लेंट की और दस्तखत की है। इसका नाम सुनते ही वो डर जाता है, वो सामने कैसे आएगा सर, बताइए। इस आदमी की बात पे भरोसा मत कीजिए। मिस्टर करुणाकर, तुम कहाँ खड़े हो और किससे बात कर रहे हो याद रखो। अभी कभी जाकर उन्हें छोड़ दो और जो असली गुनहगार है उन्हें जाकर पकड़ो। सर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ असली गुनहगार कौन है। सिर्फ एक गवाही के लिए मैंने कितना इंतजार किया ये आप जानते हैं सर? ये क्या हो रहा है, ये तो मेंटल की तरह एक ही बात की रट लगा रहा है। कौन है मेंटल? तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। मुझे मेंटल बोलता है, एक एक को गोली मार दूंगा, एक एक को गोली मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं सर। गोली मार दी सर, सच में मेंटल हो गया वो। सॉरी सर, मैं इमीडिएटली एक्शन लेता हूँ। अरे कोई नाले में गिर गया है, जल्दी आओ सब लोग। अरे क्या हुआ, कौन है, कौन है, कौन है? अरे क्या हो गया? रुको रुको, अस्पताल ले जाना है भाई। अंदर जो मैडम बैठी है उनसे पूछ लो ना। एक आदमी की जान जा रही है, आप नीचे उतरिए मैडम। आराम से डालो, संभाल के भाई। अरुणकांत अंदर लाओ। कम, ये क्या हो गया? क्यों रो रही हो दादी? अरुणकांत तो हीरो है, वो सुपरमैन है।
आप फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, इसे बस आराम की जरूरत है। चलिए बाहर चलते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, मुझे माफ कर दो अरुण। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ हंसी खुशी बिताना चाहती हूँ। क्या मेरा सपना पूरा नहीं करोगे? ना भूला मैं तो आशिक हुआ दिल, तू ही मेरी जिंदगी जाना। तेरी डूबा
आजक ना भूला मैं तो आशिक हुआ दिल तू ही मेरी जिंदगी जाना मनना मेरे तो बातें ये दिल खोया तेरे ख्यालों में ही दिल सुबह शाम पुकारे तुमको ये दिल स्टेट असेंबली इलेक्शन में राज करने वाली पार्टी के इरफान अली जो कि अब तक निर्दलीय उम्मीदवार स्वर्णा से आगे चल रहे थे इस आखिरी गिनती में स्वर्णा 250 से ज्यादा वोटों से जीत गई। नहीं बेटा अब हम वापस चले जाएंगे। जिस काम से आए हैं वो नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, गांव वालों को समझा देंगे। नहीं दादी, अभी तो बहुत काम बाकी है। हम आम लोग हैं, वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या वो आसमान से टपका है? वो भी हमारी तरह एक साधारण सा आदमी है दादी, उसे इस पद पर हमने बिठाया है भीख में वोट देकर। ये सब बातें वो भूल चुका है बेटा। भूल गया ना? तो याद दिलाने का वक्त आ गया है। आज विपक्ष पार्टी के हजार लोग अपनी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं सर। पूरा गांव ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट से सारे लोग आए हैं सर। मैं संभालूंगा सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, संभालूंगा मैं। अरे आओ, नमस्ते नमस्ते। अरुण कांत को खत्म किया कि नहीं? क्या साहब, एक बार वो यमदूत से तो बच सकता है लेकिन स्वर्णा दीदी से नहीं बच सकता। ये तो वही दिख रहा है। आपने शायद रात में ज्यादा पी ली थी इसीलिए आपके मुंह से बदबू आ रही है। ज्यादा पियेंगे तो ऐसा ही होगा ना। शांत रहिए, आपकी पार्टी की जीत हुई है। आपके स्वागत के लिए कितने लोग आए हुए हैं देखिए तो। हमारे एरिया से 2000 लोग आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। अगले हफ्ते आप हमारे एरिया में आकर सभा कर दीजिए तो लोगों को विश्वास हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो आप लोग? मंत्री जी को हमारे गांव वालों की तरफ से शॉल पहना रहा हूँ और आप लोग गन दिखा रहे हैं। शॉल लेकर आया है साहब आपका स्वागत करने के लिए, देखिए तो। क्यों भी चाहिए? क्योंकि गलत आदमी से पंगा लिया है। अगर तुझे वोट देकर कुर्सी पर बिठाए तो कुर्सी की टांगे काट कर गिरा भी सकता हूँ। अब सुन, तेरी इमेज, तेरे गुंडे और तेरी ताकत सबको खत्म करके रहूंगा मैं। चलता हूँ। अरे मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, अरे क्यों रे? चक्कर आया क्या? आइए मंत्री जी के लिए। अरे अरे क्या हो गया? अरे नेताजी, उसे उठाकर गटर में डाला था या ट्रीटमेंट किया था उसका? एक मिनट, शांति शांति। अरे हुआ क्या है नेताजी? क्या हुआ नेताजी? भीड़ से वो पेड़ की तरह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। 5 मिनट के लिए तो मेरे होश उड़ गए थे। सब कुछ खत्म करने की धमकी देकर गया है वो, पता है तुम्हें? क्या बोल रहे हैं मंत्री जी? हैं? बार बार नहीं बोल सकता मैं। तीन तीन मुर्गियां और पराठे खाकर मुझे ही पूछ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? चल निकल, उसे ढूंढ कर निकालो। और इस बार ध्यान रखना, वो बचना नहीं चाहिए। तुमने इसकी शर्ट क्यों पहनी? नहीं पहन सकती क्या? ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारी शर्ट है। हा? ये अरुण कांत की शर्ट है, सुपर शर्ट। हाँ ए, 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 मैं कहती हूँ उतारो। नहीं उतारूंगी। तो मैं उतार देती हूँ। डोंट टच मी। बड़ी जल्दी है, अभी निकालती हूँ। एक शर्ट क्या पहन ली, तुम्हें इतनी जलन हो रही है? जानती नहीं अरुण की शर्ट को मैं नहीं खोला था। बस करो बस करो, चलो शर्ट उतारो। ओके ये लो, तुम्हें सिर्फ शर्ट मिलेगी अरुण नहीं।
क्यों हमेशा मेरी पोती से लड़ती रहती है? मैं नहीं लड़ रही ओल्ड लेडी, तुम्हारी लाडली की राशि है। उसकी राशि सिंह राशि है। लियो है। ये लियो वियो क्या है मुझे नहीं पता। सिंह राशि को ही इंग्लिश में लियो कहते हैं। तुम्हारी राशि क्या है? तुला राशि। उसे इंग्लिश में कहते हैं लिब्रा। छी, कैसी गंदी बातें कर रही हो। सपना, सपना, मैं वृश्चिक हूँ, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्कॉर्पियो। तेरा टाइम आज से अच्छा होगा। थैंक यू। तुम्हारी राशि क्या है? मेरा कैंसर है। कैंसर है? हाँ। छी, तुम जो सोच रहे हो वो बीमारी वाला कैंसर नहीं, कर्क राशि को इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं। तुम्हारा टाइम कैसा है? कैंसर राशि वालों का थोड़ा टाइम गड़बड़ चल रहा है। मैं लव लेटर देने आया और उसी वक्त इसे कैंसर हो गया। इसका कुछ इलाज करो। कैंसर का तो हम कुछ नहीं कर सकते, सब किस्मत की बात है। सपना, एक मिनट। सपना, क्या हुआ? तुमने ये मुझे बात पहले क्यों नहीं बताई? कौन सी बात? यही कि तुम्हें कैंसर है। अब क्या मैं पूरे गांव को बताऊं? उसने पूछा तो मैंने बता दिया। मैंने नहीं पूछा, ये मेरी गलती है। बॉस, क्या हुआ बॉस? सपना को कैंसर है। बॉस, आप जो सोच रहे हैं वो कैंसर नहीं है। एक लफ्ज भी अपने मुंह से मत निकालना। मुझे पता है कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी का दर्द क्या है ये तुम नहीं जान सकते, मैं ही जानता हूँ। इसने तो कैंसर की बीमारी समझ ली है। अब इससे पैसे ऐंठता हूँ मैं। हम कुछ और सोचते हैं और वो कुछ और सोचता है। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। आपको फिल्म देखने की आदत है क्या? कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, उसका इलाज इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये बात मुझे एक फिल्म से पता चली। हाँ बॉस, उसी फिल्म के आखिर में डॉक्टर पेशेंट से कहता है, गॉड इज ग्रेट यार। गॉड? क्या कहा? तीर्थ यात्रा जाने की बात कह रहा था बॉस। तीर्थ यात्रा? हाँ, किसके लिए? भाभी के लिए। सपना भाभी ठीक हो जाए इसीलिए कह रहा था। ये मेरे मन की भावना है बॉस। मेरे यार, तू कितना अच्छा है, तूने मेरा दिल जीत लिया मेरे भाई। जाना जाना जाना, तीर्थ यात्रा पर जाना बॉस। पैसे चाहिए ना? वो पैसे मैंने, वो पीछे कोई मार देगा इसलिए आगे रख दिए थे। ये सब तुम ही रख लो। हाँ, जाओ 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 तीर्थ यात्रा। बॉस, इतने में तो एक ही तीर्थ यात्रा कर सकता हूँ बॉस। तुम्हें चारों धाम जाना है ना? हाँ। तो ठीक है, ये चेन तुम रख लो। हाँ। और ये अंगूठी भी तुम रख लो। हाँ। सारी की सारी अंगूठियां रख लो। हाँ। 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 ठीक है बॉस, ठीक और है। दिल से प्रार्थना करना। हाँ। कि सपना जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हाँ, जाओ, ठीक है बॉस, करूंगा। जय गोविंदा। और मेरे लिए भी प्रार्थना करना। आज की खास खबर, मिनिस्टर एमवी काल पांडे को समाज सेवा के लिए भारत का खास सिटीजन अवार्ड देने की घोषणा हुई है और इसलिए तमिलनाडु की पूरी जनता खुशी मना रही है। तुम भारत के खास सिटीजन बन गए। ये सब तो आपका आशीर्वाद है मंत्री। हमारी पार्टी के नेता को ये अवार्ड मिल रहा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। कौन है जो इस जैसे आदमी को अवार्ड दे रहा है? आजकल अवार्ड दिए नहीं जाते, खरीदे जाते हैं। इस साल दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में होने जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर विदेश यात्रा के लिए आज ही रवाना हो रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति में ये आयोजन हो रहा है। ये तो मिनिस्टर का लेटर पैड है। ये स्वामी जी की भभूत है। अश्लील फिल्म बंद करो। अश्लील फिल्म बंद करो। अश्लील फिल्म बंद करो। अश्लील फिल्म बंद करो। गांव की सारी महिलाएं इसके खिलाफ है। कौन सी फिल्म है भाई? अंधेरी रात में आइटम के साथ में एकदम अश्लील है। तुम इस तरह की फिल्में देखते हो? ये सारी चीजें सिर्फ पेपर में देखता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। सर, ऑटोग्राफ प्लीज। नोट पर दस्तखत करने के लिए मैं कोई गवर्नर नहीं हूँ। ग्रेट। कल ये बात पेपर में आनी चाहिए। नौ किरण पेपर में दे देता हूँ ना सर। ऑटोग्राफ
ऑटोग्राफ सर? जरा रास्ता दो भाई, आओ, आओ। इंडिया का स्पेशल सिटीजन अवार्ड मिलने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। ऑटोग्राफ प्लीज। तुम्हारे जैसी मॉडर्न लड़की को इस राजकीय फंक्शन में देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ताली बजाइए, ताली। नमस्ते। अब इस दस्तखत से मैं उसकी किस्मत बदल दूंगा। हमारे नौकिरण पेपर के ऑफिस में मिनिस्टर का लेटर आया है। हमारे प्यारे देश के लोगों के लिए मिनिस्टर एमवी काली पांडे ने छुट्टी सेंशन की है। अभी अभी रिलीज हुई फिल्म आधी रात में लालटेन तेरे हाथ में मैंने फिल्म देखी थी। सेक्स एजुकेशन जरूरी है या नहीं ये बातें करना छोड़कर हम लोगों को सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में इस फिल्म को एजुकेशन के तौर पर स्टूडेंट्स को फ्री में दिखानी चाहिए। इसके लिए मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिफारिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी सिफारिश बहुत जल्द मान ली जाएगी और मुझसे ज्यादा इस फिल्म को देखने के लिए मेरी पत्नी और मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द ही उन्हें ये फिल्म दिखा दूंगा, तो दिखा दीजिए भाई। बहुत जल्द ये फिल्म टैक्स फ्री हो जाएगी। इस फिल्म को बनाने वाली शकीला मैडम को बहुत जल्द सम्मानित किया जाएगा। करो सम्मानित। शकीला मैडम की यह सेवा इस देश के लिए और देश के लोगों के लिए अत्यंत ही प्रशंसनीय है। हेलो सर, हम नौकिरण ऑफिस से बोल रहे हैं। ठीक है, बोलो क्या बात है। सर, मिनिस्टर ऑफिस से एक चिट्ठी आई है, उसे हम लोग ऐसे ही छाप दें क्या? तो छाप देना, उसमें क्या गड़बड़ी है? तू छापता है या दूसरे पेपर वालों को दे दूं? अरे नहीं सर, हम ही छापेंगे मंत्री जी की तस्वीर के साथ। कल तक आपका काम हो जाएगा सर। अरे ये सब क्या है, ये पोस्टर देख रहे हो? तुम्हारा नेता अश्लील फिल्म का प्रमोशन कर रहा है। नेताजी ने ऐसा क्यों किया पता नहीं। मेरी बात सुन, मंत्री जी को नेता होकर ये सब गंदी हरकतें नहीं करनी चाहिए। चलो भाई मैं निकलता हूँ। मंत्री जी मुर्दाबाद। तुम लोग क्या समझते हो, ये किसने छापने को कहा था? सर आपने ही तो कहा था। मैंने कब कहा था? सर आपके लेटर पैड पर आपके दस्तखत के साथ आया था सर। मुझे डाउट हुआ तो मैंने आपके पीए को कॉल किया था सर। उन्होंने बोला कि जो लिखा है छाप दो। अरे बाप रे, क्या है ये सब? कौन है वो शकीला? शकीला मैडम को नहीं जानते, कैसी बात कर रहे हैं सर? शकीला मैडम आ गई सर। क्या लग रही है? वेलकम, प्लीज वेलकम। आइए 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 मैडम आइए। आपको साक्षात यहाँ देखकर दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ सर। सर नमस्ते सर। सर शकीला मैडम आ गई। शकीला मैडम तुम निकलो, आपके लिए जूस लाऊं क्या? कुछ नहीं। पूरा देश जिसका विरोध कर रहा है उस फिल्म की मंत्री जी ने तारीफ की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साहब की मेहरबानी है। हेलो सुनो, मैं सीएम बोल रहा हूँ, काली पांडे को फोन दो। सर 5 मिनट के बाद फोन कीजिए ना, वो साहब शकीला मैडम के साथ बात कर रहे हैं सर। क्या कहा? शकीला से बात कर रहा है? किसका है? सीएम साहब। काली पांडे, सारे देश में हमारे पार्टी की बदनामी हो रही है, तुमने प्रेस में ये स्टेटमेंट देकर हमारी पार्टी की बेइज्जती करवा दी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। नहीं सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर। सर ए बाद में मिलेंगे। सर किसी भी वक्त कोई भी मदद आपको चाहिए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ सर। अब मैं अपनी फिल्म प्रोडक्शन करना चाहती हूँ, आप आकर मेरी फिल्म का उद्घाटन करें प्लीज। मैं चलती हूँ सर, मैं चलती हूँ जी। अरे अरे साहब साहब, शकीला मैडम जा रहे हैं साहब, एक फोटो तो ले लीजिए साहब। साहब साहब शकीला मैडम के साथ एक फोटो। बहुत हो गया अब तुम्हारा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ। शकीला ये मैं क्या करूँ, शामली शामली, गलती से उसका नाम मेरे मुंह में आ गया, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। इसीलिए मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? मेरा मेरी बात तो सुनो। साहब आपके लिए फोन। सर हम सेक्रेटरियट से बोल रहे हैं, आपको मिलने वाला स्पेशल सिटीजन अवार्ड कैंसिल कर दिया गया है, यह खबर दिल्ली से आई है सर। साहब दोबारा शकीला मैडम आ रही है क्या? क्या हुआ मंत्री, बड़ा मायूस लग रहा है, बनी बनाई इमेज खराब हो गई। मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। एक पाप की औलाद है तो सामने आके बात कर। आराम से अभी तो बस शुरुआत है। धीरे धीरे देख आगे होता है क्या। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चले फोन रख।
यही है वो, यही है वो, इसी ने मुझसे दस्तखत करवाई थी। अगर इसे उठाएंगे ना तो वो सर के बल चलाएगा। मैं तेरे ही खो गया मेरा दिल, छाया है जुनू दिल पे तेरे प्यार का। Hey, baby, baby. हले हले धड़का तेरे नाम लेके दिल, दिल पे चढ़ा नशा तेरे प्यार का। Hey, baby, baby. तुझे ही दिल सोचे, तुझे ही दिल पूछे, तुझे ही दिल चाहे माहिया माहिया। यादों में तेरी जगह, तुझे ही मैं चाहूं, तुझे ही मैं देखूं साथिया साथिया। ये दिल 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 हुआ फिदा। दिल 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 तेरा है हम दोनों। इश्क में तेरे ही खो गया मेरा दिल, छाया है जुनू दिल पे तेरे प्यार का। हाले हाले धड़का तेरे नाम लेके दिल, दिल पे चढ़ा नशा तेरे प्यार का। बाहों में भर लो तुझे, तू है जाने जा, तुझ पे ही दिल है फिदा माहिया। हाले हाले समाचा समझ में कर ले पूरे तौर मां, आग दिल में लग जाए मेरे अंग तुझको छूकर। आ थोड़ा पास मेरे कर ले प्यारे जी भर। ये दिल 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 हुआ फिदा। मैं तेरे ही खो गया मेरा दिल, छाया है जुनू दिल पे तेरे प्यार का। देखा तुझे तो पहली नजर में, चुरा के ले गई मेरा दिल। वही दिल का राजा है, मांगी तो मेरी मंजिल। आ भी जा पास मेरे प्यार, कर ले मेरे संग। कर ले पूरी आरज़ू दिल की, आज ना कोई रोके। हल्का हल्का सुरूर हल्का, हे झलका झलका प्यार है झलका। इश्क में तेरे ही खो गया मेरा दिल, छाया है जुनू दिल पे तेरे प्यार का। हे बेबी बेबी, हले हले धड़का तेरे नाम लेके दिल, दिल पे चढ़ा नशा तेरे प्यार का। हे बेबी बेबी, तुझे ही दिल सोचे, तुझे ही दिल पूछे, तुझे ही दिल चाहे माहिया माहिया। याद में तेरी जगह, तुझे ही मैं चाहूं, तुझे ही मैं देखूं साथिया साथिया। ये दिल 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 हुआ फिदा। Hey, कब से इंतजार कर रहा हूँ, क्या कर रही हो तुम? I'm sorry. चलो चलो। सपना, तुम्हें एमडी बुला रहे हैं। मैं एमडी से मिल के आती हूँ, तुम नीचे रुको। Hey, अंदर जाके देख। Hey, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट।
तो तुमसे बड़ा खिलाड़ी है। भागो सपना। अरे दरवाजा खोलो। अरे लाइट कैसे बंद हुई? कैंसर के लिए देसी इलाज। तेरे दर पे आया सवाली, कर दो मुरादे पूरी। पहाड़ी वाले गोविंदा गोविंदा। कौन है? बस आ गया। अरे वाह साक्षात, तू तो भगवान लग रहा है। दर्शन हो गए ना? बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, लेकिन दिव्य दर्शन हुआ बॉस। ये लीजिए प्रसाद खाइए। हे भगवान, मेरी सपना अभी ठीक हो जाएगी। प्रसाद खाके। ये क्या है रे? भगवान का प्रसाद लड्डू के बदले में जिलेबी में कैसे बदल गया बे? अरे रे, मार्केट में दुकानदार ने पैकेट बदल दिया लगता है। बॉस आप नहीं जानते क्या, तिरुपति में ना लड्डू के बदले अब जलेबी प्रसाद में मिलता है। किस लिए? वो ऐसा है कि जिसके बजट में प्रॉब्लम होती है ना, उसे लड्डू के बदले जलेबी दो, ऐसा कहकर पंडित जी ने दिया है। ओह, उन्होंने ही दिया है, फिर तो सही होगा। सपना ठीक हो जाएगी ना? मैं खा लूं क्या? खा लो खा लो, मैं दूसरा काम खत्म करके आता हूँ। जाओ जाओ खत्म कर दो। हाय। तुम मुझे छोड़ के जब चली जाओगी, मैं किसके सहारे जीऊंगा? तुम्हारे बिना मैं जी ना पाऊंगा। क्या हमेशा रोते रहते ये हो? ना हमेशा ऐसे रोने वाले गीत नहीं गाने चाहिए, खुशी के गीत भी गाया करो। गाऊंगा सपना, गाऊंगा। अगर इसी से तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं जरूर गाऊंगा। तेरी मेरी मेरी तेरी कहानी कहानी प्रेम कहानी होगी, पूरी पूरी होगी, आज नहीं तो कल तो होगी। प्रेम कहानी होगी पूरी, होगी पूरी, होगी पूरी, पूरी। क्या हुआ नरेन, खुशी के गीत गाते गाते भी रोने लगे? क्या करूं सपना, क्या करूं? तुम्हारी बीमारी को याद करके खुश होने का नाटक मैं नहीं कर सकता सपना। बीमारी क्यों छुपा रही हो? उस दिन मोटू से तुमने तुम्हें कैंसर है कहा था ना? मैंने सुन लिया। पागल, मेरी राशि का नाम कैंसर है। कर्क राशि को इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं, बेवकूफ। छी। बॉस। आजा। गुड मॉर्निंग बेटा, तू तो एकदम हीरो की तरह लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं बॉस, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। तुझे 50,000 रुपए किस लिए चाहिए? सिंगापुर के शनि मंदिर में जाना है। सिंगापुर के मंदिर में जाएगा, वहाँ जाकर क्या करेगा? वहाँ जाकर भाभी के लिए मन्नत मांगूंगा। भाभी के लिए क्या मन्नत मांगेगा? कि वो आपकी हो जाए। अरे वाह, तू मेरे लिए इतना कुछ करेगा तो तेरे लिए भी तो मुझे कुछ करना होगा। तुझे उठा के पटकने के लिए साले मक्कार कहीं के। कर्क राशि को कैंसर की बीमारी का नाम देख के तूने मुझे बेवकूफ बनाया। हाँ, मेरा चेन बेचकर ही तूने ये सब खरीदा है ना? माफ कर दो बॉस, मैं पैसे की लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दो। तेरी हर एक गलती को मैं माफ कर दूंगा, लेकिन भगवान का प्रसाद लड्डू जो है वो जिलेबी में बदल गया है, तूने मुझसे झूठ कहा, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। इस पाप के लिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तेरा बुरा वक्त आ गया है। सपना का घर कहाँ है? ए बोल, जल्दी से बोल, जल्दी देख। ए चल। हेलो, मैं आशा बोल रही हूँ। तुम्हें ढूंढने के लिए गुंडे आए थे, तुम्हारा एड्रेस लेके गए हैं, तुम कहीं भाग जाओ। चलो दादी जल्दी करो। कहाँ जाना है बेटे? गांव जाना है। सब जाएंगे ना? नहीं, सिर्फ तुम दोनों जाओगे। हाँ? सिर्फ हम दोनों? यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, बात को समझो। कुछ दिन छुपकर रहोगी तो बेहतर होगा। सॉरी हमारी वजह से तुम्हें तकलीफ। नहीं अरुण, तुमसे दोस्ती करके तो मुझे कुछ दिन के लिए ही सही बहुत खुशी मिली है। तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो, मैं हमेशा उसके लिए तैयार हूँ। थैंक्स। ए सुपरमैन, चलो चलो। टेक केयर। चलो चलो चलते हैं। जाना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। तुम्हारे साथ? नहीं, तुम जाओ। तुम कब आओगे? काम निपटा के आऊंगा। और गांव वालों को क्या बताऊंगी? यहाँ पर जो कुछ हुआ मत बताना, यही कहना कि मैं अच्छी खबर लेकर आऊंगा। हाँ एक मिनट, यहीं पर आगे रोक देना।
गांव में फोन करके सबको बता देता हूँ कि कल तक तुम पहुंच जाओगे। मैं एक मिनट में आया, ठीक है? दीदी, वो मुझे जिंदा चाहिए। उसने जब मेरे गर्दन पर चाकू रखा, तुम लोग सब डर गए थे। वही डर मैं उसके चेहरे पे देखना चाहती हूँ। सुन रे, ऑटो को ठोक दे। रिवर्स ले रहे। अरुण, दादी उठो, जल्दी। अरुण, दादी, दादी, उठो। ईश्वरी कहाँ गई? ए, जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी, जल्दी। ए, तुम लोग उधर से जाओ। ए, चल चल जल्दी चल, जल्दी जल्दी जल्दी। वो देखो दीदी, स्पीड बढ़ा। छोड़ना मत उसको। ईश्वरी, आंखें खोलो। उसकी एक तरफ का कान डैमेज हो गया है। ओह, सर्जरी करनी पड़ेगी। सिग्नेचर कौन करेगा? मैं करूंगा। चलिए। असली मर्द, कैसे हो तुम? हाँ, सब ठीक है ना? जरा मुझे देखो, कहता है मैं पागल हूँ। ये भी कहता है, सारा गांव कहता है। कहने दो सबको, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मेरी पत्नी और बच्चे भी मानने लगे हैं कि मैं वाकई पागल हो गया हूँ। मैं कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ भर्ती कर दिया गया। देश के जो हालात हैं, उसे देखकर तो मैं वाकई में पागल हो जाऊंगा।
बहुत ईमानदार था ना मैं, इसलिए मेरी ये हालत हो गई। अभी भी तुम मंजिल हासिल कर सकते हो। देखो तो कैसे शकीला वाला डांस कर रहे हैं। सलाम सर। हाँ ठीक है, वर्दी ठीक करो। नमस्ते नेताजी। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो भाई? ठीक हूँ सर। सब अच्छा है ना? सर आपने ड्यूटी कब ज्वाइन की? अरे पता नहीं है क्या, अरुण कांत ने ज्वाइन करवाया मुझे। बहुत खिलाड़ी है। सॉरी सर, हम इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। अरे ये पागल है सर, कानूनन हम कुछ नहीं कर सकते सर। ये पागल, ये इसके बात पर यकीन मत करो। ताक देना दिन। सोना ये नहीं, तेरे को नहीं छोड़ूंगी। नेता तूने मेरे भाई को मरवाया। इसका यकीन मत करो इसका। मेरे भाई को मरवाया तूने। तेरे को नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरा फायदा उठाया। मैं यहाँ कैसे आया? अस्पताल से भागकर चला आया, कैसे आया पता नहीं सर, पूछताछ करनी पड़ेगी सर। करो। ए हम गंदा पानी पिए और तू अच्छा पानी पिएगा। ए, गाड़ी चला। क्या हुआ रे? मैंने सुना कि तेरे पालतू गुंडे तेरे खिलाफ हो गए। अब क्या करेगा ये? तू क्या बोल रहा है? चिल्ला क्यों रहा है? मैं बात कर रहा हूँ ना, उस इंस्पेक्टर को मैंने ही तुम्हारी पार्टी में भिजवाया था। पहले तेरी इमेज खराब की, फिर तेरे गुंडों को तेरे खिलाफ भड़काया, और अब बस तुझे तेरी कुर्सी से गिरा कर जमीन पर लाना है। अबे ओए, गाड़ी रोकने का क्या लेगा? क्या डालोगे? है डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। क्या है ये सब? क्या है ये सब बताओ? नहीं नेताजी, इन गुंडों से तुम्हारा क्या रिश्ता है ये पार्टी को मालूम होना चाहिए। पार्टी ने तुम पर कड़क एक्शन लेने के लिए कहा है, समझ गए? परसों पब्लिक कमेटी में बुलाकर खास फैसला लेना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा। देखा जाए तो ये तुम्हारे पॉलिटिकल कैरियर की आखिरी पब्लिक कमिटी मीटिंग होगी। अब तुम जा सकते हो। कल पब्लिक मीटिंग में तुम्हारा पत्ता साफ हो रहा है क्या? ए, फोन रख। ओ, लगता है आप आज बहुत नाराज हैं साहब। हाँ, अब समझ में आया। अब आपको पता चल गया ना कि अरुण कांत कितना पावरफुल आदमी है। पावरफुल है? पहले तो मेरी पत्नी से मेरी बेइज्जती करवाई, और अब सीएम ने कमिटी मीटिंग बुलवाई है। अब आप क्या करेंगे साहब? गांव के लड़के ने मेरे 25 साल की राजनीति को मिट्टी में मिला दिया, वही मेरा नाम रोशन करेगा। 25 साल से राजनीति में हूं। नदी के पानी की समस्या के लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होने के कारण ये लोग अचानक हड़ताल पर आए हैं सर। हाँ, ये लोग कैसे आएंगे? हड़ताल करने की नौबत एक आदमी ने करवा दी है।
हेलो, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये कोई आज या कल की समस्या नहीं है, पिछले कई दिनों से मैं खुद उसे सुलझाने में लगा हूँ। इस विषय में सिर्फ घोषणा देने वाले नेताओं में से मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मिनिस्टर एम वी काल पांडे नदी की समस्या को लेकर और उसके समाधान को लेकर फैसला करने वाले हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बारे में बात करने वाले हैं। सर, कुल मिलाकर 4-5 लोग ही आपके साथ बैठे हैं, ऐसा क्यों? स्वाभिमान की बात है, और बात अगर देशभक्ति की हो तो तुम देखोगे कि देश का हर नागरिक मेरे साथ होगा। अरे रे, लगता है मेरा पद ही छीन लेगा। तबीयत ठीक होने से ये लो मैडम, तुम्हें इसकी पड़ी है। अगर मैं हड़ताल में शामिल नहीं हुआ तो मेरा पद छिन जाएगा। हम पर झूठे इल्जाम लगाकर हमको दूसरे स्टेट का साबित कर देगा। क्या करूं मैं? अरे देख क्या रहे हो, चलो। पार्टी में चाहे हजारों मतभेद हो, लेकिन बात जब जनता की समस्या की हो तो सबको साथ चलना चाहिए। जो लोग आज नहीं आए हैं, प्लीज आप लोग उन्हें गलत मत ठहराइए। सीएम को पब्लिक मीटिंग में बुला के उससे सवाल करने थे, लेकिन उसने तो हमें भी यहाँ हड़ताल में बैठा दिया। अब तुम ही बताओ, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? नहीं पड़ेगा, वरना दूसरे इलेक्शन में हम खड़े नहीं हो पाएंगे। चलो। एक साधारण आदमी से आप लोगों ने आज मुझे इतना बड़ा मंत्री बना दिया। आज आप लोगों का कर्ज चुकाने का वक्त आया। जल ही तो जीवन है, जब इस जल की समस्या का हल निकलेगा तभी मेरे पद की गरिमा बढ़ेगी। ये क्या है बेटा? मेरा तन मन धन और परिवार को भी त्यागने को तैयार। इसका नया नाटक है दादी, भूख हड़ताल करके सबके सामने अच्छा बनना चाहता है। तो आज तुम क्या करोगे? आज 2 दिन हो गए लेकिन सीएम एम वी काल पांडे ने अपनी, अब तो मैं इसकी कहानी को दी एंड पर ले आऊंगा। पिछले 2 दिन से चीफ मिनिस्टर एम वी काल पांडे ने साधारण सी भूख हड़ताल शुरू करके काली पांडे ने कुछ ज्यादा धूम मचा दी है। पोस्ट हासिल करने के लिए वो कुछ भी करेगा। लोगों को बेवकूफ बनाकर वो महानता की सीढ़ी चढ़ जाए, उससे पहले उसकी भूख हड़ताल तोड़नी पड़ेगी। सुनो सर, जूस ऑर्डर करो। साहब, सीएम साहब ऑफिस से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। हेलो, सुनिए, एक औरत घर पर आकर मेरी जान लेने की धमकी दे रही है। अरे बाप रे, कौन है? मैं नहीं जानती जी। फोन इधर दे। ए, मैं दुर्गा देवी मोटी ईश्वरी बोल रही हूँ। मेरा पोता अरुण कांत वहाँ होगा। कहाँ है तुम्हारा पोता? हाँ, अगर मेरे पोते की बात नहीं मानी तो तेरी बीवी की गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी मैं। बताओ भाई, क्या है तुम्हारी समस्या? क्या हुआ? दादी ने तुझे बताया नहीं क्या? बताया था, लेकिन तुम्हारी समस्या क्या है वो बताओ। इसे जूस में मिला देना। अरे मुझसे नहीं होगा। हाँ, जूस आ गया। कितने लोगों के लिए? 300 लोगों के लिए। 300 लोगों के लिए लाया। अब मेरी पत्नी, अरे यार 400 लोग हैं। जाओ जल्दी से और लेकर आओ। जाओ, मैं अभी जाकर और ले आता हूँ। उसके लिए टाइम नहीं है। मैं एक आइडिया बताता हूँ, ऐसा करो, तुम लोग जाकर पानी लेकर आओ। अरुण का वो सिरप लेकर आओ। हाँ लाए सर। इसे जूस में मिला दो, जूस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पता नहीं क्या मिला रहा है। चीफ मिनिस्टर जिंदाबाद। क्यों, अब तो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दो। ये कैसे होगा नेताजी? अब नाटक मत करो, मेरी बात की गहराई को समझो। दिल्ली बात करके आ रहा हूँ। आप तो कोई पब्लिक कमिटी बुलाने वाले थे। जब तुमने अपनी चालाकी दिखा दी तो हम पब्लिक कमिटी कैसे बुलाएंगे? दिल्ली हाईकमांड ने इस समस्या की तरफ तुरंत ध्यान देने का वादा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से किया है, इसलिए ये भूख हड़ताल हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। मेरा साथ देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जिंदाबाद। मंत्री काली पांडे। सर जूस लीजिए। अरे रे, मुझे जूस नहीं चाहिए भाई। पीले, मैं कहाँ हड़ताल पर बैठा था यार। ग्रेप जूस है सर। ग्रेप जूस है या रेप जूस है, लेके जाओ यार, मुझे नहीं पीना है। अरुण कांत, जूस में तुमने क्या मिलाया था? कुछ अलग ही कलर दिख रहा है। बस एक घंटे में सबको पता चल जाएगा। मंत्री जी, आपने तो भूख हड़ताल करके कमाल ही कर दिया, बहुत अच्छा। मंत्री जी। हाय। आ गए तुम। जो भी टीवी देख रहा है वो आपकी तारीफ कर रहा है, इसीलिए मैं इन्हें लेकर यहाँ पर आ गई आपके पास। क्या हुआ जी, ज्यादा नजर लग गई है लगता है। अरे क्या हुआ, उल्टी आ रही है। ओह
लाओ लाओ जल्दी लाओ, संभाल कर, संभाल कर आइए। मेरी तबीयत खराब होने की बात सबको पता चल गई क्या? मुझसे मिलने कोई आए हैं? आपसे मिलने के लिए कोई नहीं आया है, सभी अपने आप को देखने में लगे हुए हैं। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। हड़ताल में दिए गए जूस में किसी ने मिलावट कर दी थी ऐसा बोल रहे हैं। ये जरूर विपक्ष पार्टी का प्लान रहेगा। मैं सीएम से शिकायत करूंगा उनकी। वो लोग भी अंदर इसी लड़ाई में है। अरे जल्दी लेकर जाओ साहब को अंदर। सीएम साहब कैसे हैं? अब ठीक है सर, सब नॉर्मल है, ग्लूकोज चढ़ा हुआ है। सुनो सुनो, फौरन सीएम साहब से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करो, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भूख हड़ताल की सभा में हुए कांड का सच क्या है ये बताने के लिए एक आदमी ने थोड़ी देर पहले हमारे चैनल को एक वीडियो कैसेट दिया है। सबको नमस्कार, मेरा नाम अरुण कांत है। आज की जो भूख हड़ताल थी उसमें जूस पीने के बाद सबका जो हाल हुआ है उसका कारण मैं ही हूँ, और मैं वही आम आदमी हूँ जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मंत्री को वोट देकर जिताता है और फिर उससे अपेक्षा रखता है। अब ध्यान से सुनिए, उस जूस में मैंने कुछ भी गलत नहीं मिलाया था, बल्कि उसमें तो मैंने मेरे गांव के तालाब का वो गंदा पानी मिलाया था जिसे हम लोग रोज पीते हैं। एसी रूम में बैठकर मिनरल वाटर पीकर सिर्फ बातें करने वाले पॉलिटिशियंस को हमारी इन जरूरतों के बारे में कुछ नहीं पड़ी है, इसलिए सभी का ध्यान हमारी समस्या की तरफ खींचने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, और करता भी तो क्या करता। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं गांव से यहां शहर में एक मंत्री से मदद भी मांगने आया था, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया मैं आपको बता भी नहीं सकता। यही समझ लीजिए कि मैं दूसरा जन्म लेकर आपसे बात कर रहा हूँ। सबकी भलाई के लिए मेरा बेटा तकलीफ सह रहा है, भगवान उसकी रक्षा करे। और वो पॉलिटिशियन कौन है और उसके दूसरे काले कांड क्या है, उसके सबूतों के साथ कल सुबह 9 बजे टीवी और मीडिया के सामने चीफ मिनिस्टर साहब को बताऊंगा। अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे कोई भी सजा दी जाए मैं उसे स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे गांव वालों को न्याय दिलाइए। इसके बारे में हमारी चीफ मिनिस्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा है, हेलो, एक अनजान आदमी ने पार्टी के बारे में कहा है कि उसे उन सारे मंत्रियों के खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं और वो उन सबूतों के साथ सबके सामने आएगा। उसकी बातें और उसके सबूत अगर सही साबित होंगे तो मंत्री चाहे कितना भी सीनियर क्यों ना हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये मेरा वादा है। चीफ मिनिस्टर के साथ हुई टेलीफोन पर बात हम आपको यहाँ सुना रहे हैं। वो सब मैं देख लूंगा सर। हाँ। स्वर्णा को बुलाओ। सर। वरुण का बड़ा खेल खेल रहा है, पता नहीं उसकी अगली चाल क्या होगी। तुम लोगों पर मेरा भरोसा नहीं है सर, जल्दी से स्वर्णा को बुलाओ। टीवी पर सुना ना तुमने, कुछ समझ में आ रहा है कि तुम्हारे भाइयों को किसने मारा होगा? मजाक समझा था, वो तो उंगलियों पर नचा रहा है। कल सुबह होते ही मेरी 25 साल की राजनीति की मेहनत बर्बाद हो जाए, मिल बांट कर खाने वाले सब के सब एक साथ अंदर भी जाएंगे। आगे क्या करना है बताइए। क्या करना है, कैसे करना है मैं नहीं जानता। कल किसी भी हालत में वो सीएम के पास नहीं पहुंचना चाहिए। साहब जी, सीएम साहब ने कल 10:30 बजे आपको मिलने के लिए बुलाया है। मिलने के लिए बुलाया? मिलने के लिए? अब सीएम से हम कैसे मिल सकते हैं बोलो। वो अरुण कांत वहाँ पहुँच जाएगा तो क्या करेंगे हम? वो नहीं आएगा नेताजी, टेंशन मत लो। हेलो, अरुण कांत कहाँ है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं हरी बोल रहा हूँ। वो ईश्वरी से मिलने गया है। अरे रे, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, अगर वो आएगा तो मुझे। हेलो दीदी, उसके घर का नंबर है, अभी वो घर पे है। अरे बाप रे, मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। कहाँ है? बता बता कहाँ है? बता, नहीं जानती। ए, बता, कुछ नहीं, नहीं जानती है हाँ? बता बता, नहीं तो तेरी, बता, बताती हूँ, बताती हूँ, नहीं जानती हा? मेरा पोता यहाँ है। ए, पूरे घर की तलाशी ले लो। ए, चल बता कहाँ है वो, कहाँ है वो, बता दे जल्दी बता, नहीं तो ठीक नहीं होगा। चल बता बता। मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती, मुझे सच में कुछ नहीं पता। बता कहाँ है वो, मैं नहीं जानती। बता,
मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच में कुछ नहीं जानती। पकड़ उसको, पकड़ जल्दी, पकड़ भाग के गई बुड्ढी। मुर्गा बचा लो। अरे अरे क्या हो गया? वो हमें मारने आ रहा है। मुझे मारने आ रहा है। क्या ये एक बुढ़िया को मारने आ रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। पकड़ो उसे। अरे आओ, मुझसे सवाल कर रहे थे ना, अब मेरे शेर से सवाल करो। आजा मेरे शेर। है ये, अरे गुंडों को ये मारे, ये डरता ना किसी से, शैतान को है मारे। है सिंगम है ये, है सिंगम आया, देखो इसके अंदाज तूफानी, है जज्बा जोश इसमें, है खून में रवानी। ये बहुत मार मारे दुश्मनों को ये मारे, ये बहुत मारे दुश्मनों को ये मारे, मारे 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 ना किसी को भी छोड़े, ये मारे 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 ना किसी को भी छोड़े। ये बहुत मार मार दुश्मनों को ये मारे, ये बहुत मार मार दुश्मनों को ये मारे, ये मारा ये मारा ये मारा 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 मारा। मार मार दुश्मनों को ये मार, अरे मार धोबी पछाड़ के, अरे दुश्मनों को जम के मार रे। बेटा अरुण कांत, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? है सिंगम है ये, है सिंगम आया, देखो इसके अंदाज तूफानी, है जज्बा जोश इसमें, है खून में रवानी। ये बहुत मार मारे दुश्मनों को ये मारे, ये
बहुत मार मार दुश्मनों को ये मारे 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 ना किसी को भी छोड़े ये मारे 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 ना किसी को भी छोड़े औरत है इसलिए छोड़ रहा हूँ औरत जरूर हूँ लेकिन 10 मर्दों जैसी ताकत है फिर तो तुझे मारना ही पड़ेगा आ, आ, बेटा अरुण गाड़ी में किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है अरे मैं नहीं अरुण कांत तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी अरुण कांत स्वर्णा दीदी और मिनिस्टर साहब ने नेताजी को मारने का प्लान बनाया है तुमने जूस में गंदा पानी मिलाया था ये कहकर काली पांडे ने तुम्हें उल्टा फंसाया है काली पांडे कल सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री साहब से मिलने जा रहा है वो उनको मार डालेगा तुम किसी भी तरह उन्हें बचा लो और बाद में सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लग जाएगा अरुण कांत जल्दी जाओ साहब आपको अंदर बुला रहे हैं जाइए सर नमस्ते नेताजी नींद के समय मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया नींद कैसे आएगी टीवी देख रहा था कल वो किसके बारे में क्या कहेगा पता नहीं चिंता मत कीजिए नेताजी वो कुछ नहीं बताएगा और वैसे भी आप सुन नहीं पाएंगे क्यों नहीं सुन पाऊंगा नहीं सुन पाएंगे आप जिंदा रहेंगे तभी तो सुनेंगे hey, काली पांडे ये क्या बोल रहे हो धीरज रखिए इतना टेंशन आप क्यों ले रहे हैं बताने के लिए तो बहुत कुछ है उस अखिल को मैंने मारा था पता है तुम और उसकी जगह स्वर्णा को खड़ा किया और वो जीत भी गई वो आकर सब कुछ बता देगा मेरे खिलाफ अभी मैं तुम्हें टपकाऊंगा तुम ऊपर जाओगे और वो अंदर जाएगा और मैं सीएम बनूंगा तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे सिक्योरिटी सिक्योरिटी नेताजी अचानक सांस लेने में तकलीफ हो गई सर सर यहाँ पर बम रखा हुआ है चलिए सर चलिए लेट्स चेंज द प्लेस चलिए सर कम कम ऑन चलिए चिंता मत कीजिए नेताजी रुको 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 संभालो उधर उधर देखो मंत्री जी को कुछ भी नहीं होना चाहिए एम्बुलेंस रेडी रखो ओवर बड़ी होशियारी से तुमने सीएम को बचा लिया पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़े अब मैं सीएम को मारने वाला हूँ एम्बुलेंस में कोई है? रुको वरना मैं शूट कर दूंगा भागो मत फायर
तुम्हारे गांव की समस्या सॉल्व हो गई। वोट देने वाला एक भी वोटर सोच ले तो अन्याय करने वाले पॉलिटिशियन को पद से हटा सकता है, ये तुमने साबित कर दिया। तुम एक काबिल नागरिक हो। चलता हूँ मैं। नमस्ते। अरुण कांत आ रहा है। अरुण कांत आ गया। कुछ कभी ले आए हैं? मैं दादी क्या खड़ी हो, नीचे उतरो ना। काम कर दिया। कैसे हो?